वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सर विजेंद्र चौहान। तो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं DTS का JEE Main का सॉल्यूशन, विच इज मेजर टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज कि एक्स वाई तल के अंदर गतिमान एक कण है और उसके लिए यू का वैल्यू यानी उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपको यहाँ पर दी गई है, वो क्या है 3x plus 4y, ओके? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करना है कि 1, 2, 3, 4 इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। फर्स्ट हमारा कर्ण का त्वरण नियत है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमको अगर त्वरण का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको बल का मान ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका जो बल है वो ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यू है यहाँ पर 3x plus 4y। तो बच्चों U का मान है यहाँ पर 3x plus 4y, U 3x plus 4y। F क्या होता है बच्चों? F होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, जो कि हमको यहाँ से सॉल्व करने पर मिल जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स विच विल बी 3i cap, del u upon del y, which will be 4, okay? तो ये आ गया हमारा फोर्थ, और यहाँ पर मास जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है 1 kilogram, so from here we can say acceleration, it will be force upon mass, तो यहाँ पर प्राप्त होगा आपको minus 3i cap upon 4 j cap meter per second square, ओके? तो यहाँ पर आपको त्वरण का मान प्राप्त हो चुका है जो कि हमको यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है, ये 3i cap plus 4 j cap विद माइनस साइन। तो यहाँ पर त्वरण का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ओके? तो यहाँ पर ऑप्शन वन में है कण का त्वरण नियत है, सही बात है ये, जबकि ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। त्वरण क्या है यहाँ पर? नियत। तो कण का त्वरण शून्य है? ऐसा नहीं है, कण का त्वरण शून्य नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो यही होगा हमारा आंसर, ओके 2। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वाई अक्ष से गुजरते टाइम पे इस कण की चाल क्या होगी, और साथ ही साथ टी बराबर 1 सेकंड पर इस कण के निर्देशांक क्या होंगे। ये बातें हम लोग बहुत आसानी के साथ सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको इसका जो हिंट है वो बता देता हूं, हाउ वी कैन सॉल्व दैट। एक्सेलरेशन है हमारे पास, ए होता है बच्चों डीवी अपॉन डीटी। तो यहां पर हम लोग डीवी अपॉन डीटी की हेल्प से इसका यानी 3i plus 4j और ये है, ओके? तो यहां पर हम लोग डीवी ये आएगा 3i cap plus 4j cap into dt, और इसका अगर हम लोग यहाँ पर समाकलन कर दे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग वेलोसिटी से पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर पार्टिकल वाई अक्ष से पास हो रहा होगा, अगर कण वाई अक्ष से गुजर रहा होगा तो उस केस में एक्स का जो मान है वो होगा 0। तो हम लोग x का मान 0 रख के वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं, या ओके, तो हम लोग यहाँ पर x का मान 0 रख के और कण की जो चाल है वो यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ओके? सो आई होप यू गॉट इट। यहाँ पर आएगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं और आगे, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है एक ब्लॉक बी दिया गया है, दूसरा ब्लॉक है ए, दोनों का मास यहाँ पर है सेम। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि ये स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, जब हमने इस ब्लॉक को कंप्रेस जब इस ब्लॉक को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस होगी। तो अब आपको यहाँ पर कहा गया है कि इस स्प्रिंग को हमने मैक्सिमम कंप्रेशन जो दिया है वो है एक्स नॉट। तो एक्स नॉट यहाँ पर होगा हमारा एम्पलीट्यूड की बात हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ओके? तो सेंटर ऑफ मास का अगर एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ पर एक्स नॉट लेकर चले तो उस केस में अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि यह अधिकतम चाल का आधा मान प्राप्त कर लेता है कब, तो उसी क्षण द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा।
देखिए बच्चों, इस वाले प्रश्न को अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करें तो ये बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा ये प्रश्न सॉल्व। देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू है, उसका जो मास है, दैट विल बी 2m। क्यों? क्योंकि ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का जो मास है वो है m और m, यानी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का वैल्यू होगा 2m। ओके, सो मास ऑफ दैट, सेंटर ऑफ मास विल बी 2m। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड है x नॉट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो जेड की बात है कि यहाँ पर ए होगा एक्स नॉट। और अगर अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि इन्होंने कहा है कि जब यह अधिकतम चाल का आधा मान प्राप्त कर लेता है तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो अधिकतम चाल का आधा मान वी मैक्सिमम होता है ए इंटू ओमेगा, दैट वी नो। तो यहाँ पर वी मैक्स अपॉन टू, यानी ए ओमेगा अपॉन टू, ये जब वेग होगा तो उस केस में एक्स का मान क्या होगा, देखते हैं। सो एज वी नो, वी होता है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो वी का वैल्यू हम लोग रख देंगे ए ओमेगा अपॉन टू, ये आएगा ओमेगा, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड अगर स्क्वायर हम लोग कर दें तो उस केस में हमको यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ओमेगा से ओमेगा यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। सो इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें सो फाइनली वी विल गेट ए स्क्वायर अपॉन फोर। ओके, ए स्क्वायर अपॉन फोर, और यहाँ से ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर एक्स ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू। आप लोग इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ गया हमारा एक्स। अब आपको इस वाली पोजीशन के लिए त्वरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों, त्वरण होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस एक्स का वैल्यू अगर रख दें, अच्छा यहाँ पर ये आएगा ए। ओके, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा ए का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, एक्स का वैल्यू रूट थ्री बाई टू इंटू ए, ठीक है बच्चों यहाँ तक। और साथ ही साथ आपको पता है ओमेगा स्क्वायर ये होता है के बाई एम, ठीक है, क्योंकि के होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा के बाई एम। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, जिसका मास टोटल कितना है 2m, तो यहाँ पर आएगा 2m, ठीक है बच्चों। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पर रख दें तो उससे आपको यहाँ पर ए का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी के अपॉन 2m एंड इट विल बी रूट थ्री बाई टू। और जो ए है वो आपको यहाँ पर दिया गया है एक्स नॉट। ओके, एक्स नॉट, तो ये आएगा हमारा आंसर। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, रूट थ्री बाई फोर के एक्स नॉट अपॉन एम। देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। सो के रूट थ्री बाई फोर के एक्स अपॉन एम। ओके, सो ऑप्शन टू इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है विच इज ऑफ पैराबोला, और साथ ही साथ आपको इस पैराबोला के किसी एक पॉइंट पर एक पार्टिकल है जिसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, और वो पॉइंट जो है उसको हमने यहाँ से छोड़ा है जब वाई है 4a। ओके, तो जब ये पार्टिकल वाई इज इक्वल टू ए पर, यानी यहाँ पर लगभग यहाँ पर जब ये पहुंचता है, तो हमको इसका स्पर्श रेखीय त्वरण ज्ञात करना है। देखते हैं बच्चों कैसे होगा सॉल्व। x स्क्वायर 4ay। ओके, सो x स्क्वायर है यहाँ पर 4ay, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्पर्श रेखीय त्वरण की, तो वो होगा g नीचे की ओर, इधर की ओर अगर हम लोग बात करें तो ये आएगा, अगर ये है कोण थीटा तो ये आएगा g cos थीटा, और स्पर्श रेखीय दिशा में इस जी का घटक आएगा बच्चों जी साइन थीटा। इसका अर्थ है कि हमको यहाँ पर जी साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पर जी तो है हमारे पास साइन थीटा, यानी थीटा का है मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो थीटा का मान हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, और इसका कोण ये
ये अगर थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये होगा थीटा। ओके, तो यहां पर हम लोग टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। टेन थीटा होता है स्लोप, ओके, और स्लोप होता है बच्चों डीवाई बाई डी एक्स। तो हम लोग यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आएगा बच्चों 2x, ये आएगा 4a, ये आएगा dy by dx। ठीक है बच्चों, 2x 4a dy by dx, इसका अर्थ है कि हमने यहाँ पर दोनों साइड में अवकलन कर दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो dy by dx ये आ रहा है 2x, और हमको यहाँ पर स्लोप जो फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पर जो स्लोप फाइंड आउट करना है वो कब करना है, जब y का वैल्यू क्या हो, a। ओके, जब y का वैल्यू a होगा तो हम लोग ओके चलिए ठीक है। तो यहाँ से आपको dy by dx मिल गया है, यह आएगा 2, सो इट विल बी x अपॉन 2a। ठीक है यहाँ तक। अब ये हमसे कह रहा है कि y का वैल्यू जब क्या हो, a, y हो जब a, तो उस केस के अंदर x का मान क्या होगा, y का वैल्यू a, y का वैल्यू a यहाँ पर रखा तो ये आएगा x स्क्वायर 4a, a इंटू a स्क्वायर, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 2a, विच विल बी ऑफ प्लस माइनस। तो हमें यहाँ पर प्लस 2a हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि x एक्स में ये आएगा पॉजिटिव, क्योंकि x डायरेक्शन जो है वो इस साइड में है धनात्मक, तो ये आ गया 2a। तो यहाँ पर हमें स्लोप का वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर मिल गया है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 2a, तो यहाँ पर 2a आएगा। ओके, सो 2a से 2a यहाँ पर कैंसिल, तो dy by dx यहाँ पर आ रहा है 1। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट स्लोप एट दैट पॉइंट इज 1, सो फ्रॉम हियर थीटा का वैल्यू ये आ गया 45 डिग्री। हमें चाहिए g sin थीटा, थीटा का वैल्यू 45, इट मींस g by root 2। ओके, दैट विल बी आवर आंसर। आई होप यू गॉट इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक क्यूब है, वो स्लाइड कर रहा है, और स्लाइड करके जब वो यहाँ से जा रहा है तो उसकी स्पीड है v। ठीक है, तो उसने कितनी स्पीड यहाँ पर गेन की है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ दिस पाथ इज r। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी जो अप्रोच होगी या जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, कि जब ये ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है तो उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक एंड ऑफ दिस पार्ट आल्सो। ओके, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जब ये ब्लॉक यहाँ से जा रहा होगा तो उस केस में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या यूं कहे कि जितना मोमेंटम इस ब्लॉक का इस साइड में होगा उतना ही मोमेंटम इस वाले कैपिटल एम ब्लॉक का इस साइड में होगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जब ये ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच रहा है और यहाँ पर है इसका स्पीड वी, ओके, और इसका मास है एम, इसका मास स्मॉल है, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा और ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये इस साइड के अंदर जा रहा होगा। तो यहाँ पर जब ये पहुँच गया तब लेट मास वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज कैपिटल वी एंड मास स्मॉल एम, वेलोसिटी स्मॉल वी, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कैपिटल वी का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर पाएंगे एम वी अपॉन कैपिटल एम, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जो अपनी एनर्जी लॉस की है वो है एम जी आर, ओके, क्योंकि हाइट जो है वो है आर, ओके, और ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक के अंदर चेंज हो चुकी है। सो फ्रॉम हियर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, हमें चाहिए यहाँ पर स्मॉल वी, तो हम लोग पहले यहाँ पर कैपिटल वी को रिप्लेस कर देंगे एम वी अपॉन एम से, ओके, एम वी सॉरी स्मॉल एम बी है ये, ओके, तो ये आएगा स्मॉल एम बी अपॉन कैपिटल एम। तो यहाँ पर जब हम लोग इस कैपिटल वी का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा
okay, now calculation is there which you can do very easily, okay. So हम लोग यहाँ पर अगर solve करेंगे तो आपको यहाँ पर answer मिल जाएगा, okay. So from here you will see that fourth option will be the correct answer, calculation is there, okay. चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे प्रश्न की ओर, which is question number 5. यहाँ पर आपसे कहा गया है कि बेलन है तो एक तो ठोस है और एक खोखला है, तो अगर दोनों को ही हम लोग नत तल की समान ऊंचाई से छोड़ें तो उस केस में कौन सा वाला बेलन जो है यहाँ पर पहले पहुंचता है, यानी किसका टाइम यहाँ पर कम होगा. तो यहाँ पर आपको अगर टाइम का फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप लोग आराम से उसका यहाँ पर डेरिवेशन कर सकते हैं. हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू इस पार्ट का जो लेंथ आएगा मान लीजिए एस, ठीक है. तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ये आता है बच्चों जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो टी एस सेम रहेगा हाफ इस कॉन्स्टेंट ईयर, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एक्सेलरेशन और यू कहें कि टाइम टाइम स्क्वायर इट विल बी प्रोपोर्शनल टू ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा ए नीचे जाएगा तो वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जाएगा ऊपर की साइड. इट मीन्स हम लोग कहेंगे कि वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ये टाइम का स्क्वायर, ओके. तो जेड सी बात है कि जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम होगा उसका टाइम भी कम होगा, वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा. तो ठोस गोले के लिए के स्क्वायर अपॉन ठोस बेलन के लिए सॉरी ठोस बेलन के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 1/2 और खोखले के लिए 1 होता है. तो जिसके लिए इसका वैल्यू कम है उसका टाइम कम होगा वो पहले पहुंच जाएगा. इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से कि ठोस बेलन जो है वो पहले नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है. आप चाहे तो इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए. ये होता है 1/sin θ अंडर रूट ये आता है बच्चों 2h/ जी और 1+k² / r² का रूट, ओके. फॉर्मूला याद हो अच्छी बात, और आप लोग यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1+k² / r², ठीक है बच्चों. यहाँ तक बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6. और यहाँ पर आपको एक क्यूब दिया गया है और ये क्यूब भी वेलोसिटी के साथ आगे की ओर जा रहा है. अब अचानक से इसके रास्ते में ये एक प्रॉब्लम जो है वो आ गई है, अवरोध आ गया है. अब क्या होगा, ये पलटेगा, ओके. ये पलटेगा ऐसे. तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो ये वाला जो क्यूब है ये अपनी इस वाली अक्ष के सापेक्ष पलटेगा, ठीक है. तो अब देखिए इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के सापेक्ष अगर हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई कर दें तो हमें आंसर यहाँ पर मिल सकता है. लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर mg फोर्स तो लग रहा है तो फिर इसका टॉर्क भी होगा. बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन उस केस में आप लोग इस mg फोर्स के टॉर्क को नेग्लिजिबल मान सकते हो. क्यों, समझिएगा बच्चों ध्यान से, क्योंकि तो जब यहाँ पर टक्कर हुई तो ये जो फोर्सेज यहाँ पर होंगे जो इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होंगे ड्यू टू दिस अवरोध वो काफी ज्यादा होंगे इस फोर्स के कंपैरिजन में. वैसे भी आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ईएम फोर्सेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से काफी वीक होता है. तो इस केस में जब अचानक से यहाँ पर टक्कर हो रही है तो हम लोग इसके टॉर्क को नेग्लिजिबल मानकर चल सकते हैं, ओके. और फिर उस केस में हम लोग इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमको यहाँ पर फाइनल उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों. तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हमें उत्तर प्राप्त होगा. तो बच्चों इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पहले टक्कर से पहले इसका कोणीय संवेग मान लीजिए इसका मास है m, तो ये आएगा बच्चों एम वी इस पॉइंट से इस वी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना बच्चों a/2, ओके एम वी आर ये आ गया. अब हमें यहाँ पर चाहिए कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो क्यूब है ये घूमेगा, ओके घूमेगा. तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं i(ω), ठीक है यहाँ तक. और आपको यहाँ पर चाहिए कोणीय चाल ओमेगा, ठीक है ना. एट दैट मोमेंट जब ये जस्ट इससे टकराया है तो यहाँ पर आई जो है वो आएगा इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में
जड़त्व आघूर्ण और हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में जड़त आघूर्ण का मान क्या होता है बच्चों, एम ए स्क्वायर अपॉन सिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आएगी ए बाई रूट टू। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आएगी ए बाई रूट टू। तो इसका इस्तेमाल हमने किया, यानी यहाँ पर हम लोग समांतर अक्ष प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आएगा एम एल स्क्वायर होता है, तो एम ए स्क्वायर अपॉन टू। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसको अगर थ्री से कर दे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ओके, तो थ्री से ऊपर नीचे अगर किया मल्टीप्लाई तो थ्री प्लस वन यानी ये आएगा फोर एम ए स्क्वायर, नीचे आएगा सिक्स, तो ये आएगा हमारा आई, ठीक है। इस आई का वैल्यू आप लोग यहाँ पर रख कर ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आ रहा है एम बी इंटू ए बाई टू और आई का वैल्यू आ रहा है टू बाई थ्री एम ए स्क्वायर, ओके, और ओमेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट एम से एम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर आएगा थ्री बाई फोर की टर्म्स में। तो थ्री बाई फोर कहाँ आ रहा है बच्चों, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में। आप चाहे उसको और आगे सॉल्व करके फाइनली थ्री बी अपॉन फोर ए तक पहुँच सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप यू गॉट इट, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न। इसमें आपसे कहा गया है कि ये एक दो पतले आर तथा थ्री आर त्रिज्या के चालक खोल हैं जिनके ऊपर बाहर वाले पर यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू और अंदर वाले पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हमने अंदर वाले गोले को भू संपर्कित किया यानी ग्राउंडिंग की, तो उस केस में ये हमसे पूछ रहा है कि अंदर वाले खोल पर कितना आवेश आ जाएगा। सिंपल सा है प्रश्न, जाहिर सी बात है हमने इसको ग्राउंडिंग इसकी हमने यहाँ पर कर दी है, और जब ग्राउंडिंग या अर्थिंग हम लोग करते हैं तो आपको पता है कि उस वाले पार्ट का पोटेंशियल हो जाता है जीरो। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले पॉइंट पर या यूं कहे कि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू आना चाहिए जीरो। तो मान लीजिए ग्राउंड से इस पर जो चार्ज आया है वो है क्यू डैश, ओके। तो इस वाले चार्ज के कारण अंदर वाले पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ये आएगा के क्यू अपॉन थ्री आर। अब ये जो चार्ज यहाँ से ग्राउंड से आया है उसके कारण पोटेंशियल ये आएगा के क्यू डैश अपॉन आर, क्योंकि इस वाले पार्ट का जो रेडियस है वो है आर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे जीरो। सो फ्रॉम हियर इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी माइनस क्यू बाई थ्री। सो थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, और ये काफी सिंपल है ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे केवल हमें ग्रेविटेशनल फोर्सेज को देखना है जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर की हेल्प से, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बात करें तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ आएगा इस बार इधर की ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। तो एक फील्ड आएगा यहाँ पर, दूसरा फील्ड आएगा इस साइड में, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या अलग अलग। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहां से, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा रूट टू आर। मान लीजिए इस वाले का मैग्नीट्यूड है और इसका भी है मैग्नीट्यूड आर या ई मान लीजिए, ठीक है। तो एक फोर्थ एक यहां पर इस डायरेक्शन में भी आ रहा होगा ड्यू टू दिस मास, ओके। तो इस वाले मास के कारण यहाँ पर जो फोर्स आएगा या यूं कहेंगे यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो है एफ डैश, और एफ डैश यहाँ पर आएगा जी एम। यहाँ पर हमने कहा जो मास है वो है एकांक द्रव्यमान यानी वन, और ये आएगी डिस्टेंस रूट टू ए, ठीक है रूट टू ए, और इसका स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स को ऐड करें तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जो एफ है वो है जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो एफ यहाँ पर हम लोग रख देंगे, एफ डैश है ही हमारे पास, एफ प्लस एफ डैश ये आएगा एफ नेट, ठीक है। एफ एफ यहाँ पर है ओके रूट टू है, सॉरी यहाँ पर आएगा रूट टू एफ नेट,
ये बन जाएगा रूट टू एफ प्लस एफ डैश। तो एफ डैश ये वाला रूट टू और एफ का वैल्यू ये वाला, तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा, जिसमें से आपको मैग्नीट्यूड वाइज रूट टू प्लस वन बाई टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये हमसे बोल रहा है कि ये क्षेत्र जो है वो बी की ओर होगा या बी से दूर होगा। जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा होता है आकर्षण प्रकृति का, तो ये बल इस बिंदु बी की ओर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी की ओर। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक वायर है, उस वायर के ऊपर टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। सिंपल सा है प्रश्न बच्चों, एफ होता है बच्चों बी आई एल साइन थीटा। थीटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर, दोनों के बीच का कोण क्या हो गया बच्चों 90 डिग्री। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी 90 डिग्री, तो ये साइन 90 का वैल्यू 1। ओके, बी आई एल आई करंट है, बी है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, एल होती है यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ होती है दोनों एंड्स के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। तो ये अगर आ रही है, ये अगर आ रहा है, तो ये होगी रूट टू आर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी बी आई रूट टू आर। ठीक है, दैट विल बी द फोर्स। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है उसके अंदर आपसे कहा गया है, छोटी दंड चुंबक के कारण केंद्र से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाणों का अनुपात होगा। तो बच्चों आप लोग जानते हो इसका सिंपल से सूत्र है, वो आपको याद होने चाहिए। समान दूरी यानी ये आर और ये भी आर। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर ये है बी एक्सिस के ऊपर और ये है बी इक्वेटोरियल प्लेन पर। ठीक है, तो आपको इनके सूत्र अगर याद है तो बड़ी आसानी के साथ आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है बच्चों टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये होता है एक्सिस पे, और अगर हम लोग बात करें बी तो वहां पर इसका होता है हाफ यानी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन ठीक है आर क्यूब। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, अक्षीय ये वाली आ गई, निरक्षीय ये वाली आ गई, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि आएगा टू अपॉन वन, इनको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे। ओके, सो आंसर इज टू, मतलब ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दो समांतर पट्टिकाओं के बीच में कुछ मटेरियल जो है वो भर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर ये लेंथ है बच्चों डी बाई थ्री, जहाँ पर आपको K1 कांस्टेंट वाला परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, और उसके बाद आ रहा है 2D/3 यानी ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर ये है 2D/3 और यहाँ पर K2 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत भर दिया गया है। K1 और K2 के मान आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब ये परावैद्युत पदार्थ नहीं था तब अगर धारिता का मान था 9 pF, तो अब इस केस के अंदर नई धारिता का मान क्या होगा। सिंपल सा है प्रश्न, देखिए बच्चों अगर हम लोग यहां पर बात करें तो एज वी नो सी क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, और इस केस के लिए सी डैश का मान क्या होगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो हम लोग यहाँ पर T1 और T2 का वैल्यू रख देंगे, और K1 और K2 का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन, ये आएगा D/3 K1, ये आएगा 2D/3 K2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी को अगर कॉमन ले लें तो ये आएगा सी डैश, ये आएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, कॉमन ले लिया है हमने इसको। ओके, नीचे यहाँ पर आ रहा है 1/3 K1 1/3 K1 प्लस 2/3 K। ओके, और इसका वैल्यू आपको यहाँ पर पहले से दिया गया है 9 pF। ओके, ये था 9 pF। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका वैल्यू अगर यहाँ पर रख दिया जाए 9 pF, और K1 और K2 के वैल्यू रख के हम लोग अगर सॉल्व करें तो हम लोग 5
फाइनली यहाँ पर सी डैश तक पहुँच पाएंगे, यानी हमको यहाँ पर उस धारिता का मान मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, यू विल गेट 40.5 पिकोफैरड। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न, और जिसमें आपसे कहा गया है कि एसी की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या होगी। सीधी सी बात है कि यहाँ पर अभी इस गैल्वेनो में जो विक्षेपण है वो है जीरो, इसका अर्थ है कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये हुआ हमारा वेट स्टोन ब्रिज विच इज बैलेंस्ड। ओके, सो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू एल के, आर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। जाहिर सी बात है लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा यहाँ का रेजिस्टेंस, और मटेरियल यहाँ पर सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी इस पार्ट का और इस पार्ट का सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आर वन अपॉन ये वाली जो है लेंथ ए सी, इसको मान लीजिए कि ये है लेंथ एक्स, देखेंगे भी इसको। ओके, और ये आर थ्री अपॉन इसको हमने कहा एल टू, ये है एल वन, ठीक है एल टू ये आएगा हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर आर वन आर थ्री और एल वन एल टू। ओके, तो यदि हम लोग कहें कि ये लेंथ है एक्स, तो ये लेंथ क्या होगी बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ 350, तो ये लेंथ बन जाएगी 350 माइनस एक्स। ओके, सो एल वन एल टू के मान, आर वन आर टू के मान रख के हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, कैलकुलेशन इज देयर, आर वन है यहाँ पर 3 ओम, आर थ्री है यहाँ पर 4 ओम, इन सब का वैल्यू हम लोग अगर रखें सो फाइनली आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। आर वन कितना बच्चों 3, एल वन कितना लिया एक्स, आर थ्री कितना बच्चों 4, इसको कितना लिया 350 माइनस एक्स। ओके, ये 350 है बच्चों, ओके 350 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, विच विल बी 157 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न, जहाँ पर है चल कुंडली धारा मापी का प्रतिरोध 20 ओम है, इसके पूर्ण विक्षेपण के लिए इतनी धारा चाहिए। तो 20 वोल्ट नापने के लिए वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है प्रश्न, ये हमारा गैल्वेनो मीटर जिसके पूर्ण विक्षेपण के लिए, और इसका जो आर जी दिया गया वो है 20 ओम, ठीक है, और इसके पूर्ण विक्षेपण के लिए जो धारा जाती है वो है 0.01 एम्पियर। ओके, अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, 20 वोल्ट तक नापने वाले वोल्ट मीटर में। तो आपको पता है कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया एक प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में, और हमने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम 20 वोल्ट। सही बात है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि धारा जो है वो यहाँ पर जाएगी, क्योंकि अगर ये वोल्ट मीटर में चेंज हो चुका है तो यहाँ पर आदर्श स्थिति में कोई धारा यहाँ से पास नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये धारा इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं I into RG plus I into R, ये हो गया हमारा टोटल वोल्टेज, इन दोनों के ऊपर जो ड्रॉप होगा वो इसके यानी 20 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 20 वोल्ट, I का वैल्यू यही आपके पास 0.01, RG दिया गया है, I का वैल्यू, R का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू रख के अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा 1980 ओम, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोग आगे इसको सॉल्व कर लोगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि स्विच एस को बंद करने के तुरंत बाद में यहाँ पर आपसे कहा गया है आर वन से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा। जाहिर सी बात है बच्चों, जैसे हमने इसको क्लोज किया करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, और करंट का फ्लो का अपोज कौन करेगा, विरोध कौन करेगा, ये कुंडली प्रारंभ में सबसे ज्यादा विरोध होता है। इसका अर्थ है कि प्रारंभ में ये जो है ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इट मीन्स यहाँ से कोई
करंट फ्लो नहीं होगा। तो सारा का सारा करंट स्टार्टिंग में कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं करंट का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा ई अपॉन आर वन प्लस आर टू, ई का मान है यहाँ पर 50 और आर वन प्लस आर टू का मान है 20 और आर वन का मान कितना दिया हुआ है 10। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा, इट विल बी 5/3 एम्पीयर। ओके, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि 15th क्वेश्चन। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि उत्तेजित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या n, यह लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाला फोटॉन उत्सर्जित करता है कब, जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च स्टेट से निम्न स्टेट में जंप कर रहा है तो फोटॉन जनरेट करेगा, सही बात है। तो n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है लैम्ब्डा की टर्म्स में। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद है ही, 1 अपॉन लैम्ब्डा होता है बच्चों आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पर r का मान मतलब r के टर्म्स में ही हमें आंसर चाहिए, z का मान यहाँ पर आएगा एक, क्यों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। n1 होता है कम, n2 होता है ज़्यादा। तो n1 यानी नीचे वाली स्टेट, कौन से वाले स्टेट में ये आ रहा है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए n1 का मान होगा 1 और n2 का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे कितना n, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लोग इन सब का वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको r और लैम्ब्डा के टर्म्स के अंदर आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर हम लोग डायरेक्ट भी देखें तो r यहाँ पर z का वैल्यू 1 यानी लैम्ब्डा इंटू r आएगा ही आएगा। और अगर चलिए इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा बच्चों r इंटू लैम्ब्डा, ये आ रहा बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, इसको यहाँ ले आओ उसको उधर ले जाओ तो ये आ गया n स्क्वायर, ये आएगा r लैम्ब्डा माइनस 1 अपॉन r लैम्ब्डा। देख लीजिए एलसीएम लिया आर लैम्ब्डा माइनस 1, ठीक है। अब अगर दोनों साइड में रूट ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n, इट मीन n का मान होगा इसका उल्टा यानी आर लैम्ब्डा अपॉन आर लैम्ब्डा माइनस 1। ओके, इट मीन थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, देखते हैं क्या है इस प्रश्न में। प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसका कार्य फलन का मान है, ओके, इसका जो पदार्थ है उसका कार्य फलन दिया गया है फाई नॉट और जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान है एच सी अपॉन म्यू नॉट से कम। तरंग दैर्ध्य कम होगी मतलब आवृत्ति जो है वो दहलीज आवृत्ति से ज्यादा है, इसका मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो हो रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, तो द्रुत प्रकाश इलेक्ट्रॉन, द्रुत यहाँ पर है फास्टेस्ट, ओके, तो सबसे ज्यादा तेजी के साथ चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्ब्डा डी। और अगर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में डेल्टा लैम्ब्डा का चेंज किया जाए तो डी लैम्ब्डा में चेंज होता है डेल्टा डी लैम्ब्डा, ठीक है। तो डेल्टा डी लैम्ब्डा अपॉन लैम्ब्डा डी, सर डेल्टा लैम्ब्डा का रेशियो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखते हैं बच्चों, एस बी नो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये होता है बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर, जानते हैं आप लोग यहाँ पर, ओके। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की, इसका अर्थ है कि यहाँ पर आपको मोमेंटम की टर्म्स में इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम और लैम्ब्डा के बीच संबंध होता है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये आएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, के होता है बच्चों पी स्क्वायर अपॉन 2m, जानते हैं ये चीज आप लोग, ओके। तो अगर हम लोग इसको लिखें एच सी अपॉन लैम्ब्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्ब्डा नॉट, तो ये आ रहा है बच्चों पी स्क्वायर अपॉन 2m। लैम्ब्डा होता है बच्चों एच अपॉन पी, तो पी का वैल्यू यहाँ से आएगा एच अपॉन लैम्ब्डा, ओके। तो अगर हम लोग पी का वैल्यू जो है यहाँ पर रख दें और बाकी सभी अगर कांस्टेंट को गायब कर दिया जाए, एच सी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो पहले मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, एच सी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन लैम्ब्डा माइनस 1 अपॉन लैम्ब्डा नॉट, और यहाँ पर आ रहा है पी का वैल्यू एच अपॉन लैम्ब्डा यानी एच स्क्वायर अपॉन
लैम्डा स्क्वायर इंटू 2L। ठीक है बच्चों, बाकी सब जो कॉन्स्टेंट है उनको हम लोग एक स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। सो फाइनली फ्रॉम हियर वी विल गेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, कॉन्स्टेंट यहाँ पर रख देता हूँ, और ये आ रहा है लैम्डा स्क्वायर। अब याद रखिएगा ये वाला लैम्डा कौन सा है, ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, तो यहां पर हमने इसको लिखा, इसको हमने कहा डी लैम्डा डी का है इसको। ओके, तो याद रखिएगा ये हमारा लैम्डा डी। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा डी। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक क्लियर कट हो चुका होगा। अब हमें चाहिए डेल्टा लैम्डा, यानी लैम्डा में चेंज। तो आपको पता है कि हम लोग एरर वाला कंसेप्ट अब यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर दोनों साइड के अंदर डिफरेंशिएशन करें पार्शियली आंशिक रूप से, तो आप लोग यहाँ पर पाओगे कि ये आएगा लैम्डा की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन, ये आएगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा जीरो, और यहाँ पर अगर देखें तो ये कॉन्स्टेंट यहाँ पर गायब हो जाएगा डिवाइड जब हम लोग इसको करेंगे तब। ओके, ये आएगा लैम्डा डी की पावर माइनस टू, डिफरेंशिएशन जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट सब हट के जो फाइनल हमें यहाँ पर मिलेगा वो आएगा बच्चों डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर माइनस वन, इट विल बी हियर एंड इट विल बी लैम्डा स्क्वायर। ओके, माइनस वन माइनस वन माइनस टू यानी यहाँ पर आकर लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर भी जब हम लोग डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस टू ये के, और ये आएगा बच्चों ओके कॉन्स्टेंट वाला पार्ट जो है भाई वो यहाँ पर हट जाएगा जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो। ओके, तो कॉन्स्टेंट को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आएगा बच्चों वन, ये आएगा डी लैम्डा डी अपॉन ये आएगा लैम्डा डी की पावर थ्री। ओके, सो फ्रॉम हियर और माइनस माइनस साइन यहाँ पर कैंसिल आउट होने की बात, फाइनली आपको जो रेशियो यहाँ पर चाहिए भाई, रेशियो ही तो आपको यहाँ पर चाहिए, इसलिए आप लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट और माइनस वाले पार्ट को हटा के सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर फाइनली चाहिए क्या, डेल्टा डी लैम्डा अपॉन लैम्डा डी, सॉरी डेल्टा लैम्डा। ओके, तो ठीक है, ओके डी आएगा ऊपर, लैम्डा डी आएगा नीचे। ओके, ये डी आएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। ओके, तो ये लैम्डा डी कहाँ, लैम्डा डी का क्यूब आएगा ऊपर। ओके, लैम्डा डी का क्यूब आएगा बच्चों ऊपर, ये आएगा स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा डी का क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सिली मिस्टेक से ये आपको नहीं करनी है, मैं यहाँ पर थोड़ा अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है इसको स्किप करने के चक्कर में ही हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर जो कि है हमारा 17वां प्रश्न। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि Li7 तथा He4 नाभिक के प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान आपको यहाँ पर दिया गया, दिस वन एंड दिस वन। तो इस अभिक्रिया में जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है Li7 प्लस पी इज इक्वल टू 2 और ये दिया गया 2He4। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें तो इसका जो मास है वो कितना है, 7। इट मीन देयर आर 7 न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भी अपने आप में एक न्यूक्लियॉन है, तो यहाँ पर 1, और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 4 2 8 मीन्स यहाँ पर है 8 न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अगर सम करें तो वो आएगा 8। ओके, तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो एनर्जी आएगी और यहाँ पर जो एनर्जी आएगी कैलकुलेशन के बाद उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी आवर आंसर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिथियम के लिए है 5.6 MeV, तो यहाँ पर 7 × 5.6 इससे न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पर है 8, सो 8 × यहाँ पर है पर न्यूक्लियॉन की एनर्जी बंधन ऊर्जा 7.06, तो 8 न्यूक्लियॉन्स की टोटल एनर्जी कितनी होगी,
8 × 7.06, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको यहाँ पर एनर्जी टोटल जो है वो मिल जाएगी। तो इन दोनों का जब डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आप तक पहुँच जाएगा। इसको आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आपको 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न, और ये प्रश्न थोड़ा सा सिंपल है। यहाँ पर आपको कहा गया है, यहाँ पर आपको कहा गया है कि बैटरी है, और जब हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया तो उस केस के अंदर बैटरी द्वारा दी गई धारा का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सिंपल प्रश्न है, ये है फॉरवर्ड बायस में और ये है रिवर्स बायस में। तो आइडियल कंडीशन में रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, जबकि आइडियल कंडीशन में सारा करंट कहाँ से होगा फ्लो, फॉरवर्ड बायस से, यानी यहाँ। तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा, करंट का वैल्यू E अपॉन आर, इट मीन्स इट विल बी 0.1 एम्पियर। ओके, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 0.1 एम्पियर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दो स्वरित्रों को एक साथ कंपित करने पर विस्पंदों की संख्या है 5। ओके, 512, एक ही है आवृत्ति कितनी 512 हर्ट्ज, और बी जो है उसको इसके साथ कंपित किया गया और विस्पंदों की संख्या प्राप्त हुई 5। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर या तो 512 प्लस 5 होगा यानी 517, या फिर 512 माइनस 5 होगा यानी 507 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आपसे कहा गया है कि यदि अज्ञात स्वरित्र बी के साथ ध्वनित किया जाता है, ठीक है, अब बी पर अगर मोम लगा दिया जाए तो विस्पंदों की संख्या वापस से 5 प्राप्त होती है। अब आपको पता है कि मोम लगाने पर आवृत्ति कम हो जाती है, तो बी की आवृत्ति को अगर हम लोग कम करें, समझिएगा, अगर इस केस में हम लोग बी की आवृत्ति को कम करें तो कम करके हम लोग इसको अगर ले आए कहाँ तक, कम करते करते अगर इसको 507 तक ले आए, तो इन दोनों को एक साथ कंपित करके वापस से हमें 5 विस्पंद मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस स्थिति में आपने इसको कम किया तो आप कितना भी इसको कम करते जाओ आपको कभी भी इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति का अंतर 5 प्राप्त नहीं होगा। सही बात है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये वाला आंसर सही होगा, 517 हर्ट्ज। ओके भाई, इसको आप अगर 507 को और कम कर रहे हो तो आपको 5 के बाद 6 विस्पंद, 7 विस्पंद, 8 विस्पंद ऐसे प्राप्त होगा, 5 कभी वापस से प्राप्त नहीं होगा। ओके, जबकि यहाँ पर आपको 5 विस्पंद वापस से प्राप्त हो सकते हैं, इट मीन्स 517 हर्ट्ज विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो इस वाले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि पी और टी ये कर्व है, तो आपको यहाँ पर बी टी कर्व बनाना है। ठीक है, सिंपल सा, ये लो यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक पी वी बराबर एन आर टी से हम लोग देखे तो टी और पी समानुपाती हैं। तो पी प्रोपोर्शनल टी कब होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी यहाँ पर वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है दिख रहा है हमको, और यहाँ पर क्या है दाब कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो जिस ग्राफ में तीन बातें इसी क्रम में होंगी वही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, 0.3। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करें, बी टी ग्राफ है ये, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर टी, तो बी टी ग्राफ में पहले वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ले लिया, उसके बाद क्या हो रहा है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, 1 से लेकर 2 तक टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तीर का चिन्ह यहाँ पर आएगा इधर की ओर। तो अब आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने के। ओके, ये भी आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पर,
बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब देखते हैं इसके बाद दो से लेकर तीन तक टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन प्रेशर कम हो रहा है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लेकिन प्रेशर कम, तो पी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी होगा अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो। ओके, तो अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स हमको यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ मैच करने जा रहा है। ओके, और इसके बाद हम लोग बात करें दाब कॉन्स्टेंट है, दाब नियत है, तो दाब अगर नियत होता है तो वी टी ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ आपको प्राप्त होगा कुछ ऐसा, इट मीन आपको ये वाला ग्राफ प्राप्त हो जाएगा जिसकी शेप ग्राफ नंबर 3 से मिल रही है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। 21वां प्रश्न है हमारा, और ये सॉरी इट इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली, ये हमारा सेक्शन डी। ओके, और यहाँ पर आपको दो मास दो ब्लॉक्स दिए गए हैं, इसका मास है 4 केजी, इसका मास है 6 केजी। तो अगर इस सिचुएशन के बाद अगर 6 केजी वाले ब्लॉक को हटा दिया जाए या यूं कहे कि इसको कट कर दे या ये टूट जाए, तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि उस वाली सिचुएशन में 4 केजी ब्लॉक का त्वरण क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न, आइए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले हम लोग इसके लिए समीकरण यहाँ पर लिख रहे हैं, मतलब प्रारंभिक स्थिति के लिए समीकरण में यहाँ पर लिख रहा हूँ किसके लिए, 4 केजी ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो अगर 4 केजी ब्लॉक की बात की जाए तो इस पर ऊपर की ओर बल आ रहा है K1X1, नीचे की ओर बल आ रहा है K2X2, और नीचे की ओर फोर्स आ रहा है Mg। ओके, ये तब है जब ये संतुलित अवस्था में है और ये ब्लॉक इसके साथ कनेक्टेड है स्प्रिंग के थ्रू। तो इसके लिए अगर हम लोग समीकरण लिखते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों K1X1 बराबर K2X2 प्लस Mg, M का वैल्यू 4 और ये जी, ये आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपने क्या किया, इस वाले ब्लॉक को कट कर दिया या ये टूट गया। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है कि क्या होगा कि ऊपर वाला फोर्स इन दोनों फोर्सेस के सम को बैलेंस कर रहा था, लेकिन अब ये वाला फोर्स हट गया है। ये आएगा बच्चों K1X1 माइनस Mg इज इक्वल टू Ma, और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 kg मास की। सो K1X1 माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इंटू ए, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो K1X1 माइनस 4g इसका वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, दैट विल बी K2X2, सो K2X2 इट विल बी 4a, इक्वेशन नंबर इसको हम दे दिया 3। अब K2X2 का वैल्यू आप लोग इस डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हो। K2X2 मतलब इस वाले ब्लॉक को बैलेंस कौन कर रहा था, या इस वाले ब्लॉक के वेट को बैलेंस कौन कर रहा था, K2X2। ओके, तो आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि K2X2 इट विल बी 6 इंटू जी। ओके, सो K2X2 का वैल्यू आप लोग यहाँ पर रख दोगे 6g, या गया 4a, ए का वैल्यू डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो यह आएगा 60/4, यानी 15 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, इट इज 15। ठीक है बच्चों, आई होप यू गॉट इट। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि एक छड़ है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखी हुई है, दिख रही है आपको वर्टिकल, लेकिन ये रखी हुई है क्षैतिज रूप से ऐसे। ठीक है, और उसको हमने यहाँ से पुश किया, मतलब यहाँ पर एक आवेग हमने उसको दिया। अभी हमसे पूछ रहा है कि समकोण से घूमने में उसको जो समय लगा है वो है πmL/xv, तो यहाँ पर x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ये थी रोड, इसको हमने यहाँ से किया पुश, आवेग दिया p। ठीक है, तो आवेग जब हमने दिया तो ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमेगी और ये आगे भी जाएगी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि अगर इसको घूमने में इतना टाइम लगा तो यहाँ पर x का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, जाहिर सी बात है कि हमको अगर टाइम चाहिए, टाइम होता है कोण बटा कोणीय चाल, तो कोण तो है हमारे पास, कोणीय चाल का है हमारा प्रॉब्लम। कोणीय चाल हम लोग अगर ज्ञात कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, सही बात है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो टक्कर से पहले इस वाले कण का, टक्कर से पहले इस वाले कण का कोणीय संवेग इस वाले बिंदु के सापेक्ष, ये लेंथ होगी बच्चों एल बाई टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एल शायद आपको यहाँ पर लेंथ दी गई, ठीक है एल बाई टू। तो यहाँ पर टक्कर से पहले कोणीय संवेग एम वी और आर एल बाई टू, एम वी ये आपको दिया गया है पी। ठीक है, और टक्कर के बाद जब ये रोड घूमेगी तो उस केस में आएगा आई इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा आई इंटू ओमेगा, ये है हमारा पी। तो पी इंटू एल अपॉन टू, आई होता है बच्चों एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व, इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है इसलिए एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, तो यहाँ से एल कैंसिल हो रहा है और ये आएगा बच्चों सिक्स, तो यहाँ से ओमेगा आपको मिल चुका है। कितना आएगा बच्चों, सिक्स पी अपॉन एम एल, सिक्स पी अपॉन एम एल, ये आ गया बच्चों आपका ओमेगा। तो यहाँ से आपको टी मिल जाएगा, ये टी आएगा बच्चों पाई बाई टू, और ओमेगा का मान यहाँ से आ रहा है सिक्स पी अपॉन एम एल, एम एल पहुँच जाएगा ऊपर, सिक्स पी आएगा नीचे, तो सिक्स पी और एम एल पहुँच जाएगा ऊपर। ओके, तो बच्चों ये आपको प्राप्त होगा कितना, पाई एम एल अपॉन बारह पी। तो अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे जो टाइम आपको दिया गया उससे, तो जो टाइम आपको दिया गया था वो था पाई एम एल, पाई एम एल आ रहा है, पी भी आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों बारह। ओके, सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ट्वेल्व। ठीक है बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ये हमारा तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल वो एंटर कर रहा है तो ये कितने कोण से अपने मार्ग से विस्थापित होगा। तो देखिए बच्चों, ये जा रहा था ऐसे, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, तो V क्रॉस B, ओके V यहाँ पर, B यहाँ पर, तो V क्रॉस B यानी फोर्स कहाँ, ऊपर की ओर। ओके, तो फोर्स ऊपर की ओर, तो ये घूमेगा ऐसे, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पर आकर ये चला जाए ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और एक टेंजेंट इस वाले पॉइंट पर ड्रॉ कीजिए और उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ये जो दोनों जहाँ पर कट कर रहे होंगे वो पॉइंट होगा, इस आर्क का सेंटर होगा वो। तो ये होगी हमारी आर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा डी। ओके, ये डी आपको यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में, ये कोण अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये ओके, ये कोण अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि इट विल बी थीटा। ओके, और अगर आप चाहे तो 90 माइनस थीटा ये हो गया 90, ठीक है, थीटा थीटा 90 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ से भी आप लोग इस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आर और डी की टर्म्स में। तो यहाँ पर ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, सो फ्रॉम हियर यू कैन से साइन थीटा इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो डी अपॉन आर का वैल्यू आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि डी और आर का कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, इसका अर्थ है कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू ला सकते हैं, क्योंकि ये है इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्लाइटली शॉर्ट ऑफ एम वी अपॉन क्यू बी, स्लाइटली शॉर्ट ऑफ एम वी अपॉन क्यू बी, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ था साइन थीटा, ये आया था बच्चों डी अपॉन आर। ओके, हटा दिया गया, ठीक है, डी अपॉन आर, और आर होता है एम वी अपॉन क्यू बी, आर होता है बच्चों एम वी अपॉन क्यू बी, और इसको भी लगभग आपको, यानी ये जो डी है विच इज अप्रोक्सीमेटली एम बी अपॉन क्यू बी, इसका अर्थ है कि यहाँ पर इस डी को भी लगभग आर के बराबर मान के आपको चलना पड़ेगा। तो आर अपॉन आर ये हो जाएगा वन, थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 90
डिग्री, इट मीन्स यहाँ पर ये पार्टिकल जो है वो लगभग ऐसे जा रहा है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि ये कोण होगा 90 डिग्री का, ओके। आई होप यू गॉट इट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि वी बी माइनस वी ए का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर है वी ए। अब गए यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 एम्पीयर, तो 5 इंटू 1, यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट। फिर गए माइनस से प्लस की ओर, पोटेंशियल का गेन हुआ कितना हुआ 15। फिर गए यहाँ पर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और ये सब खर्चा हुआ, ये कुछ हमको प्राप्त हुआ, तो ये सब खर्चा और प्राप्ति के बाद जो अंतिम वोल्टेज रह गया है वो है वी बी। ऐसे तो बढ़ता है, हाँ हमारे पास कुछ रुपए हैं, उसमें से कुछ खर्च किए और कुछ हमारे पास आ गए, तो लास्ट में जो कुछ मनी हमारे पास है वो है बी बी, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके इस ए को अगर हम लोग यहाँ पर ले आए तो ये बन जाएगा बच्चों बी बी माइनस बी ए, ओके। 15 में से गया 5, तो ये आएगा 10 माइनस एल। एल का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है बच्चों 5 मिली, ओके। सो 5 × 10⁻³, और डी आई अपॉन डी टी, ये धारा घट रही है बच्चों, इट मीन्स इट विल बी नेगेटिव, ओके। सो −10⁻³, सो इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 5 दैट विल बी 15, ओके। सो आंसर विल बी 15 वोल्ट, ठीक है बच्चों, आंसर विल बी 15 वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर, ओके। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कांच के प्रिज्म के मुख्य भाग पर समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति है, ठीक है भाई। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हमने कहा ओके ए बी और ए सी का वैल्यू यहाँ पर सेम है, ए सी पर चांदी की कलई की है, ये ए सी, ये है ए बी, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दी चांदी की कलई, ओके। और उसके बाद आपसे कहा कि ए बी पृष्ठ पर अभिलंबवत प्रकाश आपतित हो, यानी यहाँ पर अगर अभिलंबवत प्रकाश आपतित हो तो ये जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। और दो परावर्तनों के पश्चात, परावर्तन यहाँ पर दो हो रहे हैं, और बच्चों वो तभी हो सकता है जब ये टकरा कर इधर की ओर आए, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद ये किरण नीचे की ओर जाएगी, ये तभी हो सकता है, ओके। तो यहाँ से परावर्तन के बाद ये किरण आई यहाँ पर, और फिर प्रश्न में कहा गया है बाद में ये बीसी पृष्ठ के लंबवत चली जाती है, ये है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रिज्म का जो कोण है ए, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो ये कोण ए है, अब आपको पता है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये दोनों कोण भी सेम होंगे, तो इस कोण को हमने कहा बीटा, इस कोण को भी कहा बीटा, ओके। और ये है कोण अल्फा, तो अल्फा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है कि अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखें तो ये किरण यहाँ से आई और यहाँ पर चली गई, तो ये होगा इसका अभिलंब, ठीक बात है, अभिलंब होता है तल के लंबवत, ठीक है। अब देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू क्या आएगा 180 डिग्री, इसको कहा हमने समीकरण है। और अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये कोण अगर अल्फा है तो ये होगा 90, होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये कोण होगा बच्चों अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। और अगर हम लोग बात करें ये कोण है बीटा, तो ये बच्चों 90 माइनस बीटा, तो ये होगा बीटा और ये भी होगा बीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें तो ये बन रहा है जेड टाइप का, ओके, इट इज लाइक दिस, और ये है टोटल एंगल कितना 2 अल्फा, ये ओके ओके, और ये है बीटा, ये है एंगल बीटा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ओके। तो बीटा और 2 अल्फा का वैल्यू सेम होगा क्योंकि ये है एकांतर कोण, तो यहाँ पर बीटा बराबर आएगा 2 अल्फा, हमें चाहिए अल्फा, तो हम लोग यहाँ पर बीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू ये आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आएगा 180 अपॉन 5 विच विल बी 36 डिग्री,
ओके सो इसका होगा आंसर 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई होप यू गॉट इट। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, वहां पर आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा या आपका जो डाउट है उसको सॉल्व या दूर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ टीसी गुप्ता, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन डीटीएस सॉल्यूशन ऑफ जेईई मेन 2021। ये आपका फर्स्ट मेजर है। मैं आपको इसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोथर मेयर कर्व। अब लोथर मेयर कर्व देखो, आप लोथर मेयर कर्व बनता है इन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। और ये कर्व किस टाइप से आता है? इस टाइप से। और इस कर्व में क्या है, जो टॉप पोजीशन है उसमें क्या आता है? ली ना की रब से फरियाद कंटिन्यू, यानी टॉप पे क्या आता है? एल्केलाइन। टॉप पे क्या आता है? एल्केलाइन मेटल्स आती है। तो फर्स्ट में क्या है, एल्केलाइन मेटल ऑक्यूपाइड पोजीशन एट द मैक्सिमम टॉप पोजीशन। ये भी आपका फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड और पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दिस ऑप्शन भी है। सेकंड क्या है, एल्केलाइन अर्थमेट। अब देखो आप, एल्केलाइन अर्थमेट यहाँ पे आती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कंटिन्यू चलते रहेगा, स्ट्रोंशियम। इट मीन्स ये कैसा, ये डिसेंडिंग है। कैसा है? डिसेंडिंग, नहीं बोलते आरोही। इट मीन्स एल्केलाइन अर्थमेटल ऑक्यूपाइड पोजिशन कौन सी? डिसेंडिंग। इट मीन्स आपका सेकंड भी करेक्ट है। क्लियर। थर्ड बात करते हैं, हेलोजन्स आर ऑक्यूपाइड पोजिशन ऑन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द ग्लोब। असेंडिंग में देखो यहाँ पे क्या आएगा, F, यहाँ क्या आएगा? Cl। means कैसा, देखो पोजीशन कैसी ascending है, इंक्रीज हो रहा है। It means halogen elements F, Cl, Br आएगा, आप आते हैं ascending path। It means ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या आएगा आपका आंसर? फोर्थ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज करेक्ट। तो देखो EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA की बात करेंगे, तो हमें सिंपल रूल पता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, EA क्या होती है? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है, ओ है तो आप अरेंज कर लो ओ, फिर क्या आएगा? एफ आगे आएगा, ठीक है, एस यहाँ पे आएगा, सी एल। और मैक्सिमम ये किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? सी एल, फिर क्या आएगा? एफ, फिर लेफ्ट क्या होती है? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज। और एक्सेप्शन क्या है? ओ की अपने क्रम में क्या होती है? मिनिमम, तो फिर क्या आएगा? एस, फिर क्या आएगा? ओ। क्लियर। तो फिर आपका क्या हो गया? एस, फिर ओ। एस ऑप्शन देखो बेटा, सी एल का है मैक्सिमम, सेकंड में है, फिर एफ, फिर तो सेकंड आपका करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ एनओ, एनओ बॉन्ड लेंथ। तो आपको पता है देखो, बीएल बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल क्या होता है? बीओ। क्या होता है बेटा? बीओ होता है। अब देखो मैं एक-एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एनओ टू, एनओ टू प्लस कैसे बनेगी? देखो एन डबल बॉन्ड हो और पॉजिटिव आएगा, जिसकी ईएन कम होगी, एन की ईएन कम होगी, एन के ऑप्शन कितने होते हैं? 5 प्लस एक कितने बजे? 4, 4 लगे इसमें काम आगे, मतलब बॉन्ड में काम आ गए। अब सिग्मा कितने, देखो यहाँ पे बीओ कितना हो गया, एनओ, बीओ यहाँ पे हो गया 2। क्लियर। पहले हम बीओ निकालेंगे और बीओ के बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट है, बीओ से देखना है एनओ टू माइनस। अब एनओ टू माइनस के लिए देखो क्या होगा, एन ओ माइनस, हाइड्रोजन पे नेगेटिव आएगा और फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड ओ। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, एवरेज क्या हो गया? रेजोनेंस है 1.5। क्या हो गया? 1.5। तो इसका बीओ कितना आ गया? 1.5। नेक्स्ट इसमें एनओ थ्री माइनस, तो एनओ थ्री माइनस तो क्या होगा? एन, हाइड्रोजन पे नेगेटिव और ओ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। अब ओ क्या कर सकता है? जो ओ है वो एन हमेशा मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी, एन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा? आउटर में कितने होते हैं एन के? 5। बॉन्ड में कितने काम आए? 1, 2, 3, कितने बजे? 2। तो मीन्स 1 लोन पेयर, तो 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा ये, तो क्या होगा? ये कोडेड बन जाएगा। अब बीओ क्या होगा? देखो ये 2 है, ये 1 है, 1 है, एवरेज क्या होगा? देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1, 2, 3, 4 और कितने में डिवाइड करना है? 3 में, तो 4/3 यानी कितना हो गया? 1.33। क्लियर बेटा। तो इसका बीओ आया 2, ये आया 1.5, ये आया 1.33। तो बीओ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी यहाँ पे सबसे कम आएगा, यानी बीओ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बीओ देखो यहाँ पे 2, 1.5, 1.3, मैक्सिमम क्या है? 2। तो पहले क्या आएगा? एनओ टू प्लस, क्या आएगा बेटा? एनओ टू प्लस आएगा। इसके बाद क्या आएगा? साफ साफ दिखो ये क्या होगा, एनओ टू माइनस, और फाइनली क्या आएगा? एनओ थ्री माइनस। तो ये क्या हो गया?
बीओ का तो क्या हो गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और बीएल का क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पूछ क्या रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो फर्स्ट आपका देखो करेक्ट, देखो प्लस वन आपका फर्स्ट करेक्ट, क्लियर बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्पीशीज डोंट हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किसका संकरण समान नहीं है। तो देखो चेक करो, सी ए सी टू, सी ए स्पेल हम फर्स्ट चेक करते हैं, सी ए सी टू कौन सी, कैल्शियम कार्बाइड सी ए सी टू माइनस टू सी। अब देखो कार्बन के आउटर में कितने होते हैं, फोर होते हैं, माइनस कितने हो गए, फाइव हो गए, कितने हो गए फाइव। अब बॉन्ड में कितने का मैंने थ्री का माइन, एक क्या बच गया लोन पे, तो सिग्मा कितने हो गए वन, वन प्लस वन यानी कौन सा हो गया एस पी, कौन सा हो गया एस पी हो गया। सी ओ टू, सी ओ टू की स्ट्रक्चर क्या हो गई, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। तो देखो यहाँ पे हम बात करें तो सिग्मा कितने है वन और टू, टू सिग्मा हो गए, और सी क्या होते हैं कितने चार होते हैं, और बॉन्ड में कितने काम आएंगे फोर के फोर यूज हो गए, तो सिग्मा लोन पे जीरो, तो टू प्लस जीरो बोले तो क्या हो गया एस पी हो गया। इट मीन्स दोनों में क्या है सेम है, दोनों में क्या है सेम है, इसमें क्या पूछ रहा है डोंट हैव सेम, सेम नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट आप पा ले सकता, सेकंड चेक करो Al2Cl6, ऑप्शन नंबर टू हम चेक करें Al2Cl6। तो देखो Al2Cl6 की स्ट्रक्चर देखो, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा ब्रिज बॉन्ड, कौन सा होगा ब्रिज बॉन्ड होगा, आप देखो और दो क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बनेंगे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। एल्युमिनियम के आउटर में कितने होते हैं थ्री, बॉन्ड में कितना काम आ गया देखो, कोवलेंट बॉन्ड में 1 2 3 काम में आ गया, ठीक है लोन पेयर जीरो। अब टोटल सिग्मा कितने हो गए 4 1 2 3 4, तो 4 प्लस 0 बोले तो sp3, कौन सा होगा sp3 होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, I2Cl6, किसकी बात करेंगे I2Cl6 की बात करेंगे, तो I2Cl6 को हम सॉल्व करते हैं, I2Cl6 हम लिख लेते हैं, इसमें कौन सा आया अपना sp3, कौन सा आया sp3 आया। अब I2Cl6 की हम बात करें तो ये क्या हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है क्लियर। अब देखो I के आउटर में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, I के आउटर में होते हैं 7, कितने होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बनेगा, वही ब्रिज बॉन्ड में क्या बनेगा, एक क्या बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड में कितने कम आए 1 2 3, कितने बचे 7 3 के 4 4 बोले तो 2 लोन पेयर, क्या बचे बेटा 2 लोन पेयर। अब सिग्मा कितने हो गए 1 2 3 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, क्या हो गया sp3d2, 6 में क्या हो गया sp3d2। इट मींस दोनों सेम नहीं है, आपका ऑप्शन यही करेक्ट हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है नोट सेम, तो किसमें सेम नहीं है Al2Cl6 और I2Cl6, बाकी में क्या होंगे सेम होंगे, आपका आंसर यही आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड करेक्ट इन स्पेक्ट्रो। आप देखो स्पेक्ट्रो के अंदर हम सबको याद होती है, अगर इस चीज में लिमिटेड लिगेंड है, देखो आपको पता है Cl- सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और Clf में बात करें तो Cl सबसे वीक होता है, तो Cl सबसे वीक यानी Cl से स्टार्ट होनी चाहिए, और Cl- सबसे स्ट्रॉन्ग, देखो ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें Cl सबसे वीक हो और Cl- स्ट्रॉन्ग हो, n तो क्या स्ट्रॉन्ग है, तो कौन सा फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, द कंपाउंड हैविंग नो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो क्या उसकी कंडीशन है टर्मिनल एटम सेम, यानी टर्मिनल एटम सेम होना चाहिए, देखो टर्मिनल 3 सेम किसमें है सेकंड में है, और लोन पेयर क्या चाहिए जीरो। अब बताइए तो कार्बन के आउटर में कितने होते हैं 4, बॉन्ड में कितने कम है 4, लोन पेयर जीरो, और टर्मिनल एटम सेम क्या बोलते हैं इसको सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का डायपोल मोमेंट d2 रहा कौन क्या होगा शून्य है, तो क्या पूछ रहा है नो डायपोल मोमेंट, तो क्या आएगा CCl4, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, निम्न क्वांटम संख्याओं की समुच्चय पर विचार करो, क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए बेसिक रूल क्या क्या आपके पास, एन का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, एल का मान 0 to n-1 यानी एन से एक कम होना चाहिए, एल एम का मान -L2+L होना चाहिए, और एस का ओनली प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये बेसिक रूल है। देखो तो फर्स्ट है n3 L0 m0 -1, इट मीन्स ये पॉसिबल है,
पूछ क्या रहा है इसमें, नॉट पॉसिबल, क्या पूछ रहा है, नॉट पॉसिबल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबल आपका, सेकेंड टू टू, अब देखो एल का मान एन से कम ही होगा, इक्वल आ गया ना, इट मीन सेकेंड पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या पूछ रहा है, इम्पॉसिबल, सेकेंड पॉसिबल नहीं है, इट मीन ये आपका आंसर में आएगा, क्लियर। थर्ड फोर थ्री, इससे कम है, इससे कम है, माइनस आप बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है। टू जीरो, अब देखो एन की वैल्यू एल से क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो क्या आएगा फोर्थ पे, क्या होगा, इनकरेक्ट, क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। थ्री टू, इसकी वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है, ये पॉसिबल था। आंसर क्या आएगा, टू और फोर, क्या आएगा, टू और फोर, यानी ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट, क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो सकता है, जीरो वन टू थ्री ऑर्डर इज प्रैक्टिकल डेटा, तो जीरो से ज्यादा फ्रैक्शनली पॉसिबल है, 0.5 पॉसिबल है, 1 ही पॉसिबल है, और इंटीजर ही पॉसिबल है, ठीक है, बट टोटल ऑर्डर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्या हो सकता है, जीरो से कम नहीं है, क्या बोल रहे हैं, जिस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, तो इट मीन्स करेक्ट है। और पूछ क्या जा रहा है, विद द फॉलोइंग स्टेप इज फॉल्स, फॉल्स देखना है, क्या देखना है, फॉल्स, तो ये तो करेक्ट है, यानी राइट है, आंसर नहीं है, ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू, इट्स बिल्कुल करेक्ट है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और सिंगल स्टेप के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या दोनों सेम होती है, रेट लो हम उसी से देख के लिखते हैं। थर्ड, द ऑर्डर ऑफ द इनवर्जन ऑफ कैन सुक्रोज इज टू, इनवर्जन ऑफ सुक्रोज इज टू, सुक्रोज के प्रतिबंधी कोटि, देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका नाम ही क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या नाम है, सूडो फर्स्ट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छदम एकाणु अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर, नाम ही क्या है, ऑर्डर वन, और ये क्या कह रहा है, ऑर्डर टू, इट मींस क्या हो गया, ये फोर्थ स्टेटमेंट हो गया आपका। और ज्यादा देर बाद बात करें इसकी, तो क्या था, आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, सुक्रोज की बात करें तो सी 12 एच 22 ओ 11, ठीक है, एंड क्या आता है, एच 2 ओ, और कंसंट्रेशन ऑफ एच 2 ओ, एच 2 ओ की कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हायर देन सुक्रोज, क्लियर। अब जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, मीन वाटर वर्क इज सॉल्वेंट, और कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होती है, जीरो, तो ऑर्डर कितनी बच गई, वन, दैट्स व्हाई इस ऑर्डर क्या आएगी, वन आएगी, और यहां क्या आएगी, वन है, कि कोटि दो है, ऑर्डर टू, इट मींस दिस इज रॉन्ग, और ये फॉल्स पूछ रहा है, क्लियर। फोर्थ और चेक करते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चेंज इफ द एक्सपेरिमेंटल, बिल्कुल ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, इट चेंज विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, इट मींस फोर्थ इज करेक्ट, और पूछ क्या रहा है, फॉल्स, क्लियर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, एसिटिक एसिड अंडरगोस डायमराइजेशन व्हेन डिसॉल्वड इन बेंजीन मोलर मास 120, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, डी आपका थ्योरेटिकल है और डी ऑब्जर्वर, देखो पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ध्यान दो, एम टी अपॉन एम नॉट, यानी थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, इक्वल टू क्या होता है, डी टी अपॉन डी नॉट, dt यानी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी एंड d नॉट बोले तो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, तो यहां देखो थ्योरेटिकल को बोला है क्या, d, क्या बोला है, d, तो दिस इज d, ऑब्जर्व क्या बोला है, बोल d, और बोल का फैक्टर होता है क्या, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, क्या होता है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। अब अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है इसमें कैलकुलेट, अल्फा करना है, विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है, एन क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कितना प्रोडक्ट में, 1 अपॉन रिएक्टेंट में 2, यानी एन की वैल्यू है हाफ, क्या है इसकी, एन की वैल्यू हाफ, पुट करो बेटा यहां पे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा एन बोले तो हाफ, हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 क्या हो गया, माइनस का हाफ, इट मींस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा बाई 2, क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो यहां से इधर एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इट मींस
स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी, स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी अपॉन, भैया स्मॉल डी एलसीएम आएगा तो स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और टू यहां चल जाएगा तो एस बाय क्या होगा टू इंटू दिस, तो टू इंटू स्मॉल डी माइनस कैपिटल, ये फर्स्ट रोंग है, टू इंटू स्मॉल डी ये भी गलत है, टू इंटू स्मॉल डी माइनस कैपिटल अपॉन डी, तो थर्ड इज करेक्ट, क्लियर, ये आपका थ्री या ऑप्शन नंबर थ्री क्या हुआ करेक्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एट डिफरेंट टेम्परेचर का रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस इज रिप्रेजेंटेड एज़ फॉलोस, क्या करना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, तो हमें पता है हम क्या जानते हैं कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा डिक्रीज, क्या होगा डिक्रीज होगा, बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट मींस इफ वी कांस्टेंट द प्रेशर, इफ वी कांस्टेंट द प्रेशर तो एब्जॉर्प्शन कम है, यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन कम है, फिर ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम है, मींस टेम्परेचर क्या है मैक्सिमम, बोथ आर इनवर्सली, तो टी वन इज मैक्सिमम, तो टी वन मोर देन टी टू मोर देन टी थ्री, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है टी वन मैक्सिमम हो सेकेंड, तो सेकेंड इज करेक्ट, क्लियर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है द कंपाउंड PDCl4.6H2O इज ए हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, वन मोलर स्मॉल एम वन वन एम हैज फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 5.58, 100% आयोनाइजेशन है, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ KF दिया हुआ, तो इट मींस क्या लगाएंगे सिंपल बोलो डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है I इंटू KF इंटू मोलरिटी, I बोले तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर, अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 0.0 माइनस 5.58 है तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ 5.58 का, ठीक है, तो 5.58 इक्वल टू I इंटू KF की वैल्यू बताओ कितनी है 1.86 मोलरिटी मोलर, क्लियर, तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो M क्या हो गया दिस अपॉन दिस, सॉरी M नहीं, M की वैल्यू क्या है 1 है, M की वैल्यू क्या है 1, we have to calculate value of I, तो I equal to क्या हो गया 5.58 upon 1.86, अब देखो 2 का ट्रिपल होता है 6, उन्हें 0.4 कम है, 0.4 टू 3 कितना 42, तो 42 यानी आपका 58 आएगा, ठीक है करेक्ट, तो इसका I आएगा एग्जैक्टली 3, कितना आएगा एग्जैक्टली 3 आएगा, अब करना क्या अपने को फॉर्मूला देखना है, तो I इक्वल टू देखो अगर अल्फा 1 होता है तो I इक्वल टू होता है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, दिस इज वन टू फैक्टर, और अल्फा 1 होते क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 I इक्वल टू n इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी नंबर ऑफ n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी टोटल जो डिसोसिएटेड मोल 3 होने चाहिए, तो देखो आप फर्स्ट में 4 Cl बाहर है एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट स्फीयर है तो टोटल लाइन कितना हो गया 5 हो गए तो फर्स्ट रो में, सेकंड में 2 Cl बाहर है एक कोऑर्डिनेट स्फीयर 2 प्लस 1 3 और 3 चाहिए अपने को, तो इट मींस सेकंड इज करेक्ट, क्लियर, I इक्वल टू n क्या है नंबर ऑफ डिसोसिएट आयंस हो गए यहां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत देखना है, एक क्यूबिक सिस्टम प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है 23 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, हमें देखना है इनकरेक्ट, क्यूबिक सिस्टम कंटेन सेंट बिल्कुल 23 क्या क्या आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आता है, तो इट मीन सेकेंड इनकरेक्ट है, ट्राई क्लिनिक यानी सब कुछ बेकार कर दो ट्रीटमेंट की, तो क्या है सब कुछ बेकार सब बड़बड़ कर दो, ट्राई क्लिनिक यानी जो 3 बार क्लिनिक में चल जाए, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है करेक्ट है, आयोनिक क्रिस्टल ऑफ AgBr है जो ओनली ओनली फ्रेंकल, ये बिल्कुल गलत हो गया, इसमें फ्रेंकल के साथ कौन सी होती है शॉर्ट की, कौन सी होती है शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है, क्लियर बेटा, तो इनकरेक्ट कौन सा आपका फोर्थ इज इनकरेक्ट, यानी इसमें फ्रेंकल के साथ साथ शॉर्ट की दोष भी पाया जाता है, और ये फोर्थ पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है तो फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें शॉर्ट की भी साथ में होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 एंड सल्फेट आर एक्स एंड वाई, एक्स है इसकी वाई,
ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट किसकी है? लैम्डा इक्विवेलेंट, किसकी यूनिट है? लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा एम सॉरी पर मोल है, तो ये यूनिट किसकी है? लैम्डा एम की, किसकी है? लैम्डा एम यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर? और गिवन भी है, कोलराव्स लॉ इज वैलिड है। देन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, किसकी निकालनी है? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो आप एल्यूमिनियम सल्फेट को ब्रेक करो, आप एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। डिसोसिएट कैसे होगा बोलो, ये कितने आयन है? सिर्फ कितने है इसके? टू है, तो टू एल्यूमिनियम, वैलेंस कितनी है? प्लस थ्री, क्लियर? प्लस थ्री SO4 कितनी है इसकी? माइनस, क्लियर बेटा? और कोलराव्स लॉ क्या कहता है? द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंपाउंड इज सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन, ऑफ ईच आयन सबको ऐड कर दो। तो देखो बहुत सिंपल है, 2 इंटू इसके कितनी है? x, तो 2x प्लस 3 इंटू सल्फेट कितनी है? y, तो 2x प्लस 3y। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन है? 2x प्लस 3y, 2 इज करेक्ट, क्लियर बेटा? बहुत सिंपल था। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, केएस पे गिवन एट व्हाट मिनिमम पीएच कैल्शियम प्लस 2 विल स्टार्ट प्रेसिपिटेट। अब फॉर प्रेसिपिटेशन क्या होता है? के आई पी इक्वल टू के एस पी, यहां पे तो आएगा इक्विलिब्रियम, और जस्ट इक्वल थोड़ा ज्यादा होते के आई पी के लिए जस्ट ज्यादा होते क्या जाएगा? पीपीटी, इट मीन यहां से इक्वल करके हम वैल्यू निकालेंगे कि इससे जस्ट यहां से पीपीटी विल स्टार्ट, ठीक है? अब के आई पी क्या होगा, डिफरेंट कर लो इसको, कैल्शियम प्लस 2 और 2OH माइनस, देखो आप रखो के आई पी क्या होगा, कैल्शियम प्लस 2 इंटू OH माइनस स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ऑफ के एस पी गिवन कितनी है? 4 इंटू 10H की पावर माइनस 6, क्लियर बेटा? ठीक है, अब कैल्शियम प्लस 2 की जो कंसेंट्रेशन है वो है 0.01, वन मोल ऑफ वन मोल, ये भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करना, तो 0.01 यानी 10^-2 लिख सकते हैं इसको, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- का स्क्वायर इक्वल टू 4 इनटू 10^-6, क्लियर? अब देखो -2 है यहां -4 बचेगा, -4 बचेगा फिर ये स्क्वायर है, रूट ले लेता हूं मैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- विल बी 4 का रूट 2, और यहां पावर बचेगी कितनी? -4, -4 का रूट -2, क्लियर बेटा? अब यहां से POH कितनी आएगी? POH 2 माइनस लोक 2 क्या आएगी? 2 माइनस लोक 2, पूछ क्या रहा है? PH क्या निकालना है? PH, इट मींस क्या होगा? PH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH की वैल्यू बोलो कितनी है? 2 माइनस लोक 2, इट मींस क्या हो गया? 14 माइनस 2 12 माइनस प्लस 12 प्लस log 2, ऑप्शन देखो बेटा 12 प्लस log 2 सेकंड, तो ऑप्शन है इट इज करेक्ट, क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनिक 19 20। नाउ डिस्कस करते हैं सेक्शन डी, किसके डिस्कस करते हैं? सेक्शन डी का करते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर में देखो 0.01 मोल ऑफ दिस कंप्लीटली रिप्लेस बाय दिस, इट मींस क्या करना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या करना है? इक्वल करना है किस किसके? H3PO(X) इक्वल टू किसके? KOH के। अब नंबर ऑफ ग्राम में क्या होता है? मोल इनटू VF क्या होता है? मोल इनटू वैलेंस फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेज इनटू VF ऑफ पेज, कितने मोल है? 0.01, कितने हैं? 0.01 VF, you have to calculate. KOS की वेट इन ग्राम दे रखा है, और वेट इन ग्राम से मोल क्या निकालते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो 0.56 अपॉन मोलर मास कितना होता है? K का 39, H का 140, 40 प्लस होगा कितना? 16, कितना हो गया? 40 प्लस 16 बोले तो 56 इंटू VF कितना है? नंबर ऑफ OH रिलीज कितने का है? 1 है, तो 1 ये कैंसिल कर लो आप क्या आएगा? वही 0.01 कैंसिल हो गया, इट मींस फाइनली VF इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब इसका वैलेंस फैक्टर 1 है, और वैलेंस फैक्टर इसका 1 कब पॉसिबल है? तो देखो अपने पास कौन कौन से एसिड है? H3PO4 है, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी? 3 होगी। अब देखो देखना H3
पीओ थ्री है, इससे कितनी होगी टू होगी, एस थ्री पी ओ टू है इससे कितनी होगी ओनली वन, इट मीन एस थ्री पी ओ टू कौन सा एसिड है एस थ्री पी ओ टू यानी एक्स इक्वल टू क्या होगा टू, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी टू आएगी, क्लियर ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर में आपका सेक्शन डी में सेकंड, हाउ मेनी जी आई शोन बाई दिस कंपाउंड, तो देखो इसको एम ए बी सी डी हम बात करें तो इसका देखो यहां पे एम ए बी सी डी पी टी है तो पी टी की कौन क्या एक्स माइनस वन माइनस या प्लस टू हो गई, इट मीन क्या हो गया डी ए हो गया और डी ए यानी क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर, क्या हो गया ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर डी एस पी टू कौन सा होगा डी एस पी टू, और एम ए बी सी डी जी आई डी एस पी टू स्क्वायर प्लेनर क्या शो करता है तो कैसे कर सकता है चारों लिगेंड सेम है ए बी सी डी, अब चार कौन कौन सी बनेंगे इसमें कौन कौन से दो काउंट करते हैं ए के सामने बी और क्या पॉसिबल है देखो जी आई के लिए ए के सामने सी एंड फाइनली ए के सामने बी आ गया ए के सामने सी आ गया ए के सामने डी भी तो आ सकता है ठीक है, तो ए सी बाकी आप अरेंज कर दो ए सी के अलावा क्या बचा बी ओ डी और ए डी के अलावा सी और बी, तो यहाँ पे थ्री जी आई कितने पॉसिबल है थ्री जी आई पॉसिबल है कितने बेटा, तो एम ए बी सी डी और पी टी प्लस टू है डी एट डी यानी आपका हो गया कॉम्प्लिकेशन डी एस पी टू स्क्वायर प्लेनर से क्या होगा थ्री जी आई आर पॉसिबल स्टैंडर्ड केस है ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री इंटीजर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए बी थ्री गिवन है मॉडरिटी ऑफ इस सेंट्रल सॉल्यूशन निकालना है आपको देखो, तो ए बी थ्री के एस पी क्या होगा बोलो थ्री की पावर थ्री वन की पावर वन इंटू एस की पावर एक्स प्लस वाई यानी फोर, इट मीन्स 27 एस की पावर 4 और के एस पी की वैल्यू कितनी है 2.7 इंटू 10^92 यहाँ मैं 27 कैंसिल कर देता है काम करते हैं 27 इंटू 10^ माइनस 20 कर दे क्यों कर देते कैंसिल हो गया और एस यू हैव टू कैलकुलेट करना क्या होगा एस निकालना, तो यहाँ पावर एस क्या हो जाएगा इसकी पावर 1/4 और 4 डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 10^-5 और पूछ के रहा 1 इंटू 10^-x तो x क्या आ गया 5 क्या आ गया 5 तो करेक्ट आंसर इज 5 क्लियर ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है 2a plus b plus 3c 2a plus b plus 3c gives to a 2 b 3 if 1 mole of a 3 mole of b and 4 mole of c प्रेजेंट इन रिएक्शन देन मैक्सिमम मोल्स ऑफ ए टू इसके मोल कितने बनेंगे यानी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। अब तो यहां से पहले एलआर देख लो 1/2 क्या होगा रिएक्शन तो बैलेंस है ना बैलेंस है 1/2 कितना आएगा 0.5 आएगा यहां 3/1 3 हो गया 4/3 तो जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वही क्या होगा एलआर 0.53 और 1/4 तो एलआर क्या होगा ए तो खत्म क्वेश्चन यहीं पे इसके 2 से 1 तो 1 से हाफ वन ये इसका गिवन कितना है वन ही तो है 1 से हाफ और यहां कह रहा है 1/x तो 1/2 इक्वल टू 1/x यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0 क्लियर ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स तो आपके ऑनलाइन जो डीटीएस चल रही है जेईई मेंस की उसका मेजरमेंट का अपन सॉल्यूशन करेंगे मैथ्स का ठीक है, तो मैं देवेंद्र अग्रवाल टीम मैथ्स से सीएलसी सीकर से ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है इफ 1² + 2² + 3² = 2003 का स्क्वायर, ये अपने को गिवन है कि इसका जो सम है वो ये होगा, वैसे ये सम अपन फाइंड भी कर सकते हैं ना सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है ना स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स उससे निकाल भी सकते हैं, तो अपने से पूछ क्या रहा है इसमें वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले इसको ना सिग्मा के फॉर्म में लिख लो आप सिग्मा के फॉर्म में लिखो कैसे इसको अपन लिख सकते हैं देखो ये क्या है 1 ये 2003 मतलब 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है ये 2003 तक और जो सेकंड नंबर है अपना वो क्या है 2003 फिर 2002 फिर 2001 तो इसको अपन लिख सकते हैं r इंटू 2004 माइनस 1 करके माइनस r ऐसे लिख दूँ इसको मैं तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 1 से लेकर 2003 तक पुट करके देख लो आप आराम से आ जाएगा समझ में ना, तो ये लिख दिया इसको अब इसको आप सिंपली क्या करो एक्सपेंड कर लो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन तो 2004 r माइनस r स्क्वायर
आर की वैल्यू कहां से आता है, 1 से लेकर 2003, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करूंगा, अब इसको सेपरेट कर लो आप, तो क्या हो जाएगा ये 2004 तो बाहर ले लेता हूं मैं, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से कहां तक है ये 2003 तक, और यहां पर आ जाएगा आर माइनस सेकंड में सिग्मा में जाएगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कहां तक 1 से लेके 2003 तक, ठीक है। तो यहां पर हम सम कर लेंगे, अब देखो यहां पर तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहां तक 2003 का स्क्वायर, तो उसमें तो आप ये रख दोगे वैल्यू उठा के, और यहां पर क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक 2003 तक, तो क्या होने वाला है यहां पर 2004 इनटू यहां पर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक 2003 तक, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है n इनटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो n के लिए कितनी यहां पर 2003, तो क्या आ जाएगा n इनटू n प्लस 1 यानी 2004 अपॉन में क्या आएगा 2, ये तो हो गया इसका सम, माइनस इसका सम अपन डायरेक्ट लिख देंगे यहां से, तो ये है आपका 2003 इनटू 4007 इनटू 334, तो इसको अपॉन में क्या है, अपॉन में नहीं है ना, 6 जो होता है वो कैंसिल आउट हो गया, आप इसको कर सकते हो फॉर्मूले से n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 है ना, इसको आप सिंपलीफाई कर लो। देखो सिंपल क्या करना है आपको, 2004 कॉमन आ रहा, 2003 कॉमन आ रहा है, एक तो 2004 कॉमन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तो बाकी 334 भी आप कॉमन ले सकते हो उसमें से, ठीक है ना। तो होगा क्या कि 2003 से आप कॉमन लोगे इसमें से, तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास 2003 कॉमन ले लो, और अंदर बचेगा आपके पास 2004 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2007 नहीं ये क्या 4007 इंटू 334, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप सिंपलीफाई कर लो आराम से है ना, इसमें करना क्या है अपने को 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपना नॉर्मल काफी सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये है ना पार्ट, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर है जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा 2005 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, तो सेकंड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसमें अपने नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको पता है कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल टर्म लिख लूंगा मैं, टी आर प्लस वन लिख लिया मैंने, क्या आ गया रूट टू प्लस फोर्थ रूट ऑफ थ्री होल टू दी पावर 100, ठीक है ना, ये अपने पास लिखा हुआ है ना, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा टी आर प्लस वन एन सी आर 100 सी आर रूट टू टू दी पावर 100 माइनस आर एन फोर्थ रूट ऑफ थ्री की पावर आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहां से 100 सी आर रूट टू की पावर क्या 100 माइनस आर, तो इसको मैं लिखता हूं 2 की पावर कितना हो जाएगा 100 माइनस आर अपॉन 2, और यहां पर क्या जाएगा 3 टू दी पावर आर अपॉन 4, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पर आर अपॉन में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो यहां पर आर क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, और यहां क्या होना चाहिए आर मल्टीपल ऑफ 2, तो इसमें बड़ा कौन है अपना, मतलब 4 से डिविजिबल होगा जो नंबर 2 से तो होगा ही होगा, तो मैं बस वो नंबर फाइंड कर लूं, वो पॉसिबल वैल्यूज फाइंड कर लूं आर की जिसके लिए क्या है वो 4 से डिविजिबल है, तो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी 0 4 8 और 4 के मल्टीपल में लास्ट में कहां तक जाएगा ये 100 तक, तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर कितनी आ जाएंगी, वैसे दिख रहा है अपने को है ना 25 4 जा कितना होता है 100 और 25 प्लस एक 0 भी है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी इसमें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी n की 26, यानी कि r की पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी 26 होंगी है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 9 डिफरेंट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन ए बी एंड सी सो दैट ए गेट 4 बी गेट 3 एंड सी गेट 2, मतलब अपने को तीन बच्चे हैं कोई भी है ना, तीन बच्चे हैं ए बी सी, उसमें अपने को किसको बांटना है खिलौनों को बांटना है ना, और कैसे हैं डिफरेंट खिलौने हैं सारे, तो कह रहा है कि ए के पास 4 होने चाहिए, बी के पास 3 होने चाहिए, सी के पास 2 खिलौने होने चाहिए, तो देखो कैसे बांटेंगे, तो क्या हो गया एन चीजों को बांटना है अपने को है ना, जिस है ना एन चीजों को बांटना है तीन अलग अलग लोगों में, तो क्या करेंगे अपन सीधे सीधे नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएगी सीधे सीधे, आपको पता है एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा कितने कितने बांटने हैं 4 फैक्टोरियल पी क्यू आर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इनको अपन अरेंज तो कर नहीं सकते क्योंकि उसने फिक्स कर दिया है कि इसको इतने मिलने चाहिए उसको इतने और इसको इतने, तो अपन क्या करते नहीं कर सकते इंटरचेंज ही करते आपस में, तो क्या हो जाएगा सी सी वे इसको सॉल्व कर लो आप, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा है ना 1260 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, इफ साइन इनवर्स ऑफ दिस कॉस इनवर्स ऑफ x - 3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 - x स्क्वायर,
इक्वल दे रखा है अपने को कॉस इनवर्स के प्लस पाई के, तो अपने को के की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, आपको पता है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, माइनस वन से वन होता है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, माइनस वन से वन, इसकी वैल्यू भी माइनस वन से वन, ठीक है। और इसके लिए तो क्या होता है अपना और रियल है ना, तो इसके लिए तो बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसको देख लेते हैं। तो माइनस वन से वन में लाई कर रहा है एक्स माइनस वन, माइनस वन से वन में है ना, तो एक्स किस में लाई करेगा बताओ, प्लस वन कर दूं मैं तो जीरो से क्या आ गया, टू आ गया। यहां पर भी कर लो आप एक्स माइनस थ्री माइनस वन से प्लस वन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थ्री ऐड करेंगे तो टू से ये आ गया मेरे ख्याल से फोर, टू से आ गया ये फोर। तो x की पॉसिबल इनका दोनों इंटरसेक्शन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन टू आ रही है, यानी कि सिर्फ यहाँ से एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो मतलब मेरे को जो r के लिए सॉल्व करने की सोच रहा था मैं, तो उसमें क्या हो गया, सिर्फ a की वैल्यू के लिए चेक करना है, दैट इज x इक्वल टू टू। तो x इक्वल टू टू के लिए आप चेक कर लेते हैं इसमें अपन, तो x इक्वल टू टू रखो इसमें, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टू माइनस वन कितना हो गया, साइन इनवर्स वन प्लस रखो यहाँ पर कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस यहाँ रखो टू, तो टू टू जब फोर टू, तो ये आ गया माइनस का वन, तो ये आ गया टेन इनवर्स माइनस वन, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये आ गया मेरे ख्याल से साइन इनवर्स वन का मतलब हो गया पाई बाई टू, ये हो गया आपका पाई, और ये कितना माइनस पाई बाई फोर है ना। टेन इनवर्स का जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है ना ओपन इंटरवल में, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, चलो इक्वल टू लिख लेते हैं, क्या था कॉस इनवर्स के प्लस पाई सेम, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, लिख दूं मैं इसको cos इनवर्स k प्लस पाई, अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ 90 माइनस 45 कितना हो गया 45, तो यहां से अपने पास क्या निकल गया, गया cos इनवर्स k इक्वल्स टू पाई बाई फोर आ गया, ठीक है ना, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन रूट टू आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन रूट टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू दिस फंक्शन देन दी सेट ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच द फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो जब भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय कहां पर नहीं है अपने को ये देखना है, तो अवकलनीयता का चेक करने के लिए अपने को क्या करना है, सीधे सीधे आप क्या करो जो सस्पिशियस पॉइंट है जहां पर संदिग्ध जो लग रहे जो बिंदु है ना वहां पर अपने को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो इसको फैक्टराइज करोगे ना तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, फैक्टराइज कर लोगे क्यूबिक को है ना, कैसे करेंगे x इक्वल टू वन रख के देखोगे सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 प्लस 11 12 और 6 माइनस 6 माइनस 12, तो क्या होगा x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद फिर दूसरा वाला आप फैक्टर निकाल लोगे। तो देखो यहाँ से ना तीन क्रिटिकल पॉइंट आ तीन पॉइंट्स आ रहे हैं इसके सस्पिशियस, 1 2 और 3। एक यहाँ पर देखो ध्यान से तो मोड कहाँ पर है x पर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन 0 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है मतलब डिफरेंशिएबल ना हो। तो इसको चेक करोगे तो कैसे करोगे आप, x अपॉन में 1 प्लस x, एक बार x ग्रेटर देन 0 ले लें अपन और एक बार x लेस देन 0 ले लें अपन, LHDRH चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा x अपॉन ग्रेटर देन 0 लिया है तो प्लस x हो जाएगा और लेस देन 0 लिया है तो माइनस x, ठीक है। ये इसको कुछ मान लो है ना, gx मान लेते हैं इसको, gx मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अब LHDRH निकालनी है अपने को, तो एक काम करें अपन छोटा सा है ना, यहीं की इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। तो देखो ये तो क्या आ गया, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, ये आ जाएगा अपना 1 इंटू डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस डिनोमिनेटर का 1, तो न्यूमिनेटर अकाउंट में क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का एक्स ग्रेटर देन 0, और एक्स लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स और फिर प्लस एक्स अकाउंट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो कैंसिल हो गया एक्स एक्स, यहाँ भी कैंसिल हो गया एक्स एक्स। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू 0 पे दोनों ही क्या है अपना से एल एच डी इक्वल टू क्या आ रही है RHD, इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन अपना कैसा है डिफरेंशियबल है ना। 0 पर क्या है नॉन डिफरेंशियबल नहीं है ना, डिफरेंशियबल आ गया, तो इसका मतलब 0 तो क्या है डिफरेंशियबल है। अब अपन और चेक करके 1 2 3 के लिए, तो इसमें क्या है देखो बाहर क्या आ रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो इसमें क्या है ना कि x माइनस 2 जो बाहर बैठा हुआ है जब वो x माइनस 2 के साथ आएगा तो क्या होगा वहां पर भी वो क्या होगा डिफरेंशियबल होगा फंक्शन है ना। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि 2 पर अपन जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो बाहर वाले 2 की वजह से क्या हो जाएगी वो
डिफरेंशियबल हो जाएगी फंक्शन में, क्या हो जाएगा वो जीरो दे देगा ना आपको, तो क्या होगा x इक्वल टू टू पर भी क्या आएगा अपना डिफरेंशियबल आएगा ना, आप चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू वन और x इक्वल टू थ्री पर क्या होगा ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा, तो ऑप्शन नंबर फोर सही होगा है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन फाइव में क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू फाइव हो गया सिक्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाय अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व दिस, अपने को ये वक्त दे रखा है और इस पे ना किसी भी एक बिंदु पे अपन क्या कर दी स्पर्श रेखा खींच दी, तो कह रहा है कि जो x और y एक्सिस होगी उस पे जो उसके खंड आएंगे यानी कि उस पे जो इंटरसेप्ट्स आएंगे उनका अपने को क्या करना है स्क्वायर्स का सम करना है ना, स्क्वायर्स का सम करना है। तो देखो कितना आएगा चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3 ये दे रखा है आपको। तो देखो इस केस में अपन ना चाहो तो ये पॉइंट मान लो आप p जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, क्या मान लें अपन a a cos थीटा a cos क्यूब थीटा ले लेते हैं और a sin क्यूब थीटा ले लेते हैं ना, a cos क्यूब थीटा और a sin क्यूब थीटा, तो आ जाएगा a की पावर 2/3 बिल्कुल आ जाएगा, a की पावर 2/3 आ जाएगा ठीक है ना। तो क्या हो गया एक पॉइंट मान लो और इस पॉइंट पे क्या निकाल लो इसकी आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, तो पहले क्या निकालोगे इसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो स्लोप कैसे आएगा इसका माइनस 2/3 एक्स टू द पावर माइनस 1/3 डिफरेंशिएट कर लिया मैंने ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 y टू द पावर माइनस 1/3 इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y डैश कितना आ गया अपना, ये नीचे चला जाएगा ये ऊपर आएगा यानी कि x की पावर माइनस 1/3 अपॉन y की पावर माइनस 1/3 और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स ठीक है, ये आ गया। अब अपने को क्या करना है इस पॉइंट पे निकालनी थी, तो क्या हो जाएगा वाई डैश एट दैट पॉइंट है ना ये वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे ख्याल से क्यूब रूट करना है इसका आपको, तो ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा रखोगे तो, और y अपॉन में x यानी कि y अपॉन x, तो यहां पे क्या आ जाएगा ये tan थीटा आ जाएगा, क्या आ गया tan थीटा, तो कुछ नहीं करना आपको tan थीटा स्क्वायर स्लोप टेंजेंट का, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करूंगा y माइनस y1, y माइनस y1 का मतलब क्या हो गया y1 पॉइंट क्या है अपना यहां पर a sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू x माइनस a cos क्यूब थीटा इनटू क्या लेना है अपने को इसमें बताओ स्लोप, स्लोप कितना आया था अभी अपना tan थीटा, तो यहां आ गया tan थीटा ठीक है। अब अपने को कह रहा था कि ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट जो आई है इसमें अपने को इंटरसेप्ट्स का स्क्वायर का सम करना है, इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या हो गया कि x इंटरसेप्ट में क्या होगा y जीरो होगा, y इंटरसेप्ट में क्या होगा x जीरो होगा, तो एक बार मैं x को जीरो कर दूं और एक बार मैं y को जीरो कर दूं, तो पहली बार मैंने कर दिया x को जीरो, तो देखो सिंपल से जल्दी से कर लेते हैं ना, x को जीरो करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू a cos क्यूब थीटा माइनस साइन के साथ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस a ये होगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस में कॉस से कॉस कट गया ये, तो क्या बचेगा ये साइन इंटू कॉस स्क्वायर, और ये वाला क्या होगा राइट साइड आ जाएगा, तो इसको इधर ले आओ a साइन क्यूब, तो ये आ गया ठीक है, a cos से cos कैंसिल आउट हो गया और ये ऐसे आ गया। अब x इक्वल टू, अब एक बार y को जीरो कर दो आप जिससे कि हमको क्या मिल जाए x इंटरसेप्ट मिल जाए, तो x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा देखो y को जीरो करोगे तो x इंटरसेप्ट यानी कि यहां क्या बचेगा माइनस का a sin क्यूब tan थीटा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी क्या बन जाएगा ये नीचे जाकर tan थीटा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा cot, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं cos अपॉन sin और ये जो a cos क्यूब है वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको एक बार लिख देता हूं ये आ गया सॉल्व हो गया आपका a sin से कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो गया a cos क्यूब माइनस यहां बचेगा a sin स्क्वायर इंटू cos, a sin स्क्वायर इंटू cos ठीक है ये आ गया। तो कुल मिला के क्या है आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया और y इंटरसेप्ट आ गया, अब अपने को क्या करना है इनका स्क्वायर का सम करना है, तो आराम से कर लोगे यार इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेना, क्या कॉमन ले लोगे a sin कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ठीक है, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बचेगा बिल्कुल ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा यहां भी कॉमन ले लो क्या कॉमन आ रहा है a cos, तो यहां क्या बचेगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो यहां cos 2 थीटा और यहां माइनस का cos 2 थीटा, तो कुल मिलाकर क्या है जब इनको स्क्वायर करके सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा देखो होगा क्या कि a स्क्वायर यहां भी आएगा a स्क्वायर यहां भी आएगा, तो कॉमन आके कॉमन आ गया और यहां पर क्या होगा चलो कर देता हूं मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ये cos 2 थीटा माइनस का cos 2 थीटा उसका स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 2 थीटा यहां भी cos स्क्वायर 2 थीटा, तो ये भी कॉमन आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा,
और यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया वन, तो कुल मिलाकर क्या हो गया ए स्क्वायर और यहाँ भी क्या कॉस स्क्वायर टू थीटा, ये आ गया है ना कॉस स्क्वायर टू थीटा। तो अपन को क्या कह रहा था ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द सम ऑफ द स्क्वायर है ना, तो सम ऑफ स्क्वायर निकल था क्या आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा आ गया है ना, तो कॉस स्क्वायर टू थीटा का मतलब हो गया ये कॉस स्क्वायर टू थीटा आ रहा है ना, तो इसमें एक काम करो यहां पर अपन ने जब एक्स की वैल्यू जीरो करी थी है ना, एक्स की वैल्यू जब जीरो करी थी तो ये माइनस का था, तो ये माइनस आ जाएगा माइनस का ए साइन कॉस स्क्वायर, ठीक है, और ये है प्लस का हो गया, ठीक है, ये भी तो ये हो जाएगा ए साइन कॉमन आएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और यहां पर क्या हो गया एक्स इक्वल टू माइनस का ए साइन क्यूब कॉस अपॉन साइन प्लस ए, ठीक है। तो इसमें अच्छा देखो यहाँ पर क्या है टू बाई थ्री प्लस आएगा ये ना, टू बाई थ्री क्या आएगा प्लस का आएगा, तो टू बाई थ्री ए प्लस होगा तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, तो ये माइनस का टेंटीटा होगा यहाँ पर है ना, और ये माइनस का टेंटीटा इसका मतलब क्या हो गया यहाँ माइनस टेंटीटा आएगा, और माइनस टेंटीटा आते यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस टेन, तो ये क्या होगा प्लस का होगा ये, और ये प्लस का होगा इसका मतलब क्या हो गया ये प्लस का है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ ये हो गया ठीक है एकदम बिल्कुल। तो अब ये माइनस जब अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी कैसा आएगा कॉट प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है, तो माइनस कहीं आएगा नहीं इसमें ना, माइनस कहीं आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये देख लो जल्दी फटाफट से, तो ये हो गया तुम्हारा अपन मिला के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया ये भी, और यहाँ पर क्या होगा प्लस ये भी प्लस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया वन हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया वन, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं सीधी देख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं देखो कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पर क्या था ये अच्छा कॉमन लिया था हमने ए कॉस, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे आप, ये भी वन हो गया और ये भी वन है ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा वन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन थ्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका सेवेंथ। सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू वेयर पी लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड क्यू लाइज ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो एक काम करो आपको देखो दो पैराबोला रखे हैं, इस पैराबोला को क्या लिख सकते हो आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू और इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस टू, तो कोऑर्डिनेट इसके वर्टेक्स क्या आ गया टू कॉमा जीरो, तो कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया जीरो कॉमा टू, तो ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो आप देखो पॉइंट कुछ ऐसे रहा होगा मिनिमम डिस्टेंस, तो एक काम करो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन इस पर है ना, ये कौन सा पैराबोला है अपना एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस टू, तो क्या मानोगे आप, और ये क्या है अपना वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस टू, तो देखो x की वैल्यू क्या ले लूं मैं x कोऑर्डिनेट लेंगे 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेते हैं, तो 80 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया इसमें माइनस h हो रहा है तो h प्लस लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस t स्क्वायर कॉमा t लिख दूं मैं यहां पर, बिल्कुल सही है, और यहां पर क्या हो जाएगा जस्ट सर क्या है इसी की इमेज है ये, तो क्या हो जाएगा ये t कॉमा 2 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो काम की बात सुनो, ये जो पॉइंट्स हैं वो कहां लाई करेंगे इनके कॉमन नॉर्मल पर, आपको पता है जब भी हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होती है बिटवीन टू कर्व्स तो वो कहां पर लाई करती है, वो कहां पर वो कौन सी होती है जो कॉमन नॉर्मल होती है दोनों कर्व्स की है ना, दोनों कर्व्स की जो कॉमन नॉर्मल होती है उस पे वो पॉइंट्स लाई करते हैं, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं, तो वहां से अपन उनके बीच में डिस्टेंस होगी वही क्या होगी मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो कहां पर लाई कर रहे होंगे कॉमन नॉर्मल पर। तो दूसरी बात अब देखो, अब यहां से मैं कहूं इस वाले पैराबोला से वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस टू से मेरे को क्या चाहिए इसकी स्लोप चाहिए, तो क्या करूं मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं 2y y डैश इक्वल टू 1, तो यहां से आ गया y डैश बराबर 1 अपॉन 2y। अब इसमें मैं ये पॉइंट रख दूं तो इस पॉइंट पे इस पैराबोला की क्या आ जाएगी टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी यहां से यहां लिख लेते हैं, तो y डैश इसको नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं b, y डैश एट a कितना हो गया 1 अपॉन में 2, y की वैल्यू कितनी है 2 + t स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर आ गई, ठीक है, ये आ गया।
अब आगे चलो, एक मिनट, y स्क्वायर टू x माइनस टू इसकी इक्वेशन थी ना, तो इसमें y कितना है अपना t है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपन, t आएगी यहाँ पर है ना, क्या आएगी t, तो क्या हो गया 1 अपॉन में 2t, तो ये क्या आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, अभी अभी किसकी आई है स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है, मेरे को क्या चाहिए नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ ए बी या बी ए कह लूं मैं, तो स्लोप ऑफ बी ए क्या हो जाएगी माइनस टू टी, ठीक है, और ऐसे क्या निकाल लूं मैं स्लोप ऑफ ए बी किसके थ्रू, अपवर्डली ओपन पैराबोला के थ्रू, तो वहां से क्या आ जाएगा जरा देखो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है वाई माइनस टू, तो यहां से वाई डैश कितना आ गया आपका टू एक्स आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से वाई डैश कहां पर, ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, और पहले मैंने कहां निकाली थी वो बी पॉइंट में निकाली थी पहले वाली है ना, कहां थी बी पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर क्या आ जाएगी वाई डैश, ये आ जाएगी टू इंटू एक्स, एक्स कितना है अपना ये टी है, ये भी कितना है टी, तो क्या आ जाएगा यहां से टी हो गया एक्स पॉइंट पे, ठीक है ना, कितना हो गया टी, तो कुल मिला के क्या हो गया ये अपना, सिंपल सी बात होगी क्या, ये स्लोप आ रहा है टी, तो एक बात बताओ जरा मेरे को y डैश ये किसका आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या कर लूं मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा इससे माइनस वन अपॉन टू टी, क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू टी, अब ये स्लोप ऑफ ए बी आ गया, ये स्लोप ऑफ बी है, दोनों क्या है सेम, तो क्या हो जाएगा यहां से बस इक्वल कर देना, अब आप आंसर आ जाएगा माइनस का टू टी बराबर माइनस वन अपॉन टू टी, तो क्या हो गया फोर टी स्क्वायर बराबर वन, तो t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस हाफ, t की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस हाफ, तो कुछ नहीं करना आपको, बस t की वैल्यू प्लस हाफ लोगे तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टू कोमा हाफ, हाफ मन हो गया वन अपॉन फोर, रख लोगे आराम सॉल्व कर लोगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी आपकी है ना, t की वैल्यू लेने पे क्या आ जाएगी, तो आप क्या कर, आपको करना क्या है बस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें, ठीक है, तो आप देख लेना कौन सा ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर थ्री आएगा इसका, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या करना है, इफ ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर सच दैट, अपने को कंडीशन दे रखी है अपने को कि 3a plus 6c plus 4b plus 12d equal to क्या है 0, ठीक है, अब अपने को क्या कह रहा है कि देन द इक्वेशन दिस वन हैज, देखो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना इन सब में अपन को क्या करना होता है रोलीज थ्योरम का है ना, रोलीज थ्योरम क्या है या फिर आप कह लो रोल्स थ्योरम है ना, तो रोल्स थ्योरम का अपना क्या है एप्लीकेशन होता है पूरा पूरा, तो उससे क्या है क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और अपन आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं, तो करना क्या है आपको देखो ध्यान से, जब ये कहेगा ना कि एक कम से कम एक रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है ना, एटलीस्ट टू रूट्स लाई इन दिस इंटरवल, तो अपने को क्या करना है रोलीज थ्योरम का अप्लाई करना है ना, रोल्स थ्योरम का, तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले अपने को वक्त देखा ही है ना, क्या है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है, एक काम करो पहले ये जो कर्व है इसको मैंने मान लिया fx, ठीक है, तो fx इक्वल टू अपने सामने लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, मैंने क्या किया दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो मान लो इसका आ गया कैपिटल fx और ये आ जाएगा क्या ax की पावर 4 अपॉन 4 प्लस bx क्यूब अपॉन में 3 प्लस cx स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस dx प्लस में कांस्टेंट आ गया e, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो देखो अब क्या होगा इसमें सिंपल सी बात सोचो तुम, अच्छा मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि तो रोलीज थ्योरम क्या कहती है अपने से, यदि कोई फंक्शन है fx और वो कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल है किसमें, गिवन इंटरवल a से b में है ना, यहाँ a मान लेता हूँ यहाँ b मान लेता हूँ है ना, कोई भी एक इंटरवल है a से b उसमें कोई फंक्शन है fx और वो क्या है कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल, मतलब अवकलनीय है और संतत्य है ना, तो क्या हो जाएगा देखो अब रोल्स थ्योरम क्या कहती है अपने से कि यदि कोई fx कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल है और साथ में क्या है fa इक्वल टू क्या है fb, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे f डैश x क्या हुआ होगा जीरो हुआ होगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा है ना, कुछ सोच के देखो यहां से कोई पॉइंट चला और वो s चल के और कहीं भी वो रुका नहीं, बीच में कंटिन्यूस है और डिफरेंशियबल भी हर एक पॉइंट पे, तो कब जब इसको यहां से चल के और यहां लौट के आना है उसी सेम हाइट पर, तो कहीं भी जाए वो ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी करे ना, लेकिन वो आएगा क्या कहीं ना कहीं एक बार बीच में उसका डेरिवेटिव क्या हुआ होगा जीरो हुआ होगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया फंक्शन मान लिया fx इसको और इसका इंटीग्रेशन कर लिया, तो इस फंक्शन को मैं चेक कर लूंगा कि इसकी fa और fb कितने आ रहे हैं है ना, कैपिटल fa और कैपिटल fb कितना आ रहा है और वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि यदि दोनों फंक्शन में इक्वल आ रहे हैं और ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब क्या होगा कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर क्या हुआ होगा ये जीरो हुआ होगा,
कौन इसका एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का क्या होगा स्मॉल एफ एक्स, आगे हमने तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना। तो चलो आ जाओ, तो अब मैं क्या करूंगा बताओ, किस इंटरवल में चेक करूंगा मैं जो दे रखे हैं इसमें, है ना। तो सबसे आसान कौन सा है, सबसे पहले जीरो, तो कैपिटल एफ जीरो निकालो, क्या हो जाएगा जीरो 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 जीरो, तो क्या बच गया ई कॉमा। अब ले लो अब दूसरा पॉइंट कोई भी, अब वन ले लो, तो वन में चेक कर लो, तो देखो वन 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 वन, तो क्या बचेगा ए बाई फोर प्लस बी बाई एट प्लस सी बाई टू प्लस डी प्लस ई, ठीक है। एलसीएम ले लो आप इसका, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये देखो इनका एलसीएम ले रहा हूं आगे वाले चार का, है ना, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से टू ए, ठीक है ना, अच्छा थ्री है के? ये थ्री है हमारे ना, थ्री है बी एक्स क्यूब अपॉन थ्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो टू ए नहीं आएगा, क्या आएगा थ्री ए आएगा, है ना, क्या आएगा थ्री ए। तो देखो क्या आ गया थ्री ए प्लस, बताओ यहां पर क्या जाएगा फोर बी प्लस, यहां टू ए तो थ्री इंटू टू सिक्स, तो क्या आ जाएगा सिक्स सी। आप ले लेना एलसीएम, ले लेना आराम से ना, ट्वेल्व आएगा एलसीएम, आराम से करना। तो डी के साथ क्या आ जाएगा ट्वेल्व, तो ये आ गया ट्वेल्व डी, और अपॉन में एलसीएम क्या रहा है सबका ट्वेल्व, प्लस में कौन चल रहा है ई, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है अपने पास, एफ में क्या रखा था हमने वन, ठीक है एफ वन की वैल्यू आ रही है। तो देखो अब देखो थ्री ए प्लस सिक्स सी प्लस फोर बी प्लस ट्वेल्व डी, इसकी वैल्यू क्या है जीरो, तो ये तो कंप्लीट क्या हो गया जीरो हो गया, क्या बचा अपने पास सिर्फ ई बचा, तो एफ वन की वैल्यू भी क्या आ रही है ई आ रही है, इसका मतलब एफ जीरो की वैल्यू भी ई है और एफ वन की वैल्यू भी है। ऐसा एक फंक्शन जिसकी वैल्यू जीरो पर और वन पर क्या आ रही है सेम आ रही है, फंक्शन क्या है एक कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशियबल भी है, तो क्या होगा अपना सीधे सीधे एटलीस्ट वन रूट इन जीरो से वन, एटलीस्ट वन रूट इन जीरो से कम एक बार ऐसा हुआ होगा जहां पर उसका एफ डैश एक्स यानी कि ये क्या हुआ होगा जीरो हुआ होगा कम से कम, है ना। तो क्या हो गया ये, अच्छा क्या कह रहा है नो रूट्स, है ना, तो क्या हो गया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, है ना, एटलीस्ट वन रूट इन माइनस वन से जीरो, चलो माइनस वन से जीरो में चेक कर लेना, है ना, वैसे तो ये सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो माइनस वन से जीरो में लेकिन क्या होगा रख के देख लेना एफ ऑफ माइनस वन, है ना, इस पे जो वैल्यू है वो एफ जीरो के इक्वल नहीं आ रही होगी, है ना, नहीं आएगी इक्वल, तो क्या होगा वो नॉट एप्लीकेबल, तो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही ऑप्शन होगा दैट इज फोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्या कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखो ये जो क्वेश्चन है ये किसका है डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और ये एल डी ई यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इक्वेशंस कन्वर्टेबल टू एल डी ई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कन्वर्ट करनी होती है ना, रैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसमें अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाई इंटू लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये हो रहा है ना। तो इस आप क्या करो इस कंप्लीट से इस पूरे को क्या कर दो डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा वन अपॉन वाई इंटू लॉग वाई या एल एम वाई लिख देता हूँ सीधे में, है ना, स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई से लॉग वाई कैंसिल आउट हो जाएगा एक एक बचेगा और वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन में लॉग वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, है ना। अब देखो ध्यान से देखो करना क्या है आपको, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे आप जो पुट करोगे यहाँ पे जो फंक्शन पुट करोगे वाई के वाई वाला उसको टी पुट करोगे तो आपको ये वाला कंप्लीट डेरिवेटिव मिल जाता है ना। तो क्या होगा वन अपॉन लॉग वाई को आप या वन अपॉन एल एन वाई को टी रख दो, तो क्या होगा वन अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन एल एन वाई का होल स्क्वायर। अब एल एन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन वाई इंटू क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स में क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो एक बात देखो ये वन अपॉन वाई इंटू वन अपॉन एल एन अच्छा ये स्क्वायर होगा वन अपॉन वाई इंटू वन अपॉन एल एन का होल स्क्वायर, ये तो क्या बन गया पूरा का पूरा डी टी अपॉन डी एक्स विद नेगेटिव साइन, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस डी टी अपॉन डी एक्स बन गया इक्वल्स टू नहीं प्लस वन अपॉन लॉग वाई को क्या माना था अभी हमने टी, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स इंटू टी इक्वल टू क्या चल रहा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा ये डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो अब देखो आप क्या करो आपके पास क्या आ गया ये एल डी ई में कन्वर्ट हो गया कंप्लीट, है ना, अच्छे से। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ओपन करने के लिए क्या करें माइनस वन अपॉन एक्स है तो माइनस वन अपॉन एक्स में क्या करूं ये माइनस वन अपॉन एक्स आ रहा है तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से अपन क्या करें पहले
सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर क्या हो जाएगा, माइ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से लॉग एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स, तो माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा अपना, क्या होता है सोल्यूशन, टी इंटू आई एफ यानी कि वन अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या था, क्यू क्यू एक्स था अपना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसा माइनस का डी एक्स या गया। तो इसको सिंपलीफाई कर लो, क्या हो जाएगा ये टी, टी कौन था अपना, टी रखा था हमने वन अपॉन लॉग वाई, तो आंसर आ गया इसका वन अपॉन एल एन वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। तो क्या आ गया, वन अपॉन एल एक्स एल एन वाई इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऑप्शन नंबर थ्री से ही हो जाएगा इसका, है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री ठीक होगा। ठीक है, अगले भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन। तो देखो क्वेश्चन नंबर टेन में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर टेन में ये कह रहा है आपसे द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस। तो इनका ना कर्व ड्रॉ कर लो पहले आप, है ना, कर्व ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, पहली बात तो डोमेन क्या रखना है अपने को, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो चलो किसी के बना लो पहले आप, एक्स ग्रेटर देन जीरो रखना है तो होगा क्या, देखो जीरो से वन के बीच में लॉग वन की वैल्यू तो क्या होगी, जीरो, तो कहां से पास करेगा, वन से, और जीरो में भी क्या आ रहा है, जीरो, तो इसका मतलब जीरो से शुरू होगा, तो जीरो भी है और वन भी है इसके, है ना, से पास कर रहे कर। अब देखो जीरो से वन के बीच में ये वैल्यू तो क्या है, वन से छोटी है, और ये जीरो से वन के बीच में ये भी कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो कुल मिला के ये ग्राफ नेगेटिव रहा होगा। उसके बाद तो इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा ये, है ना, उसके बाद क्या होगा, इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ बना लो, लॉग एक्स अपॉन ई एक्स, तो इसमें भी वही होगा सेम, एक्स ग्रेटर देन क्या रखना है अपने को, जीरो रखना है। अब एक्स जब जीरो से जस्ट बड़ा होगा तो ये वैल्यू क्या रही होगी, देखो सोचो जीरो जस्ट बड़ी वे पे ये तो कहां अप्रोच कर रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी को, और ये क्या है, जीरो जस्ट बड़े पे छोटी सी एक वैल्यू होगी, है ना, छोटी सी बड़ी वैल्यू होगी, तो वो भी क्या होगा, इन्फिनिट यानी कि कंप्लीट ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। दूसरी बात, लॉग वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और नीचे भी क्या है, वन, तो लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो कुल मिला के इसका मतलब ये हो गया। अच्छा इन्फिनिट पे क्या हुआ होगा, इन्फिनिट पे क्या जाएगा, इन्फिनिट होगा तो ये जीरो को टेंड कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफ यहां से पास हो रहा है वन से एक, तो है ना, और ऐसा कुछ रहा होगा इसका मतलब, ग्राफ कैसा रहा होगा ऐसे, है ना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो ये ग्राफ आ गया, तो ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन ई एक्स का, ठीक है, और ये किसका है, वाई इक्वल्स टू इसका, ठीक है। तो देखो अब अपने को कौन सा कर्व चाहिए, इन दोनों से बीच वाला, है ना, तो कौन सा वाला एरिया हो जाएगा इसका मतलब, ये वाला एरिया हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, 1.0, और ये वाला पॉइंट आप निकाल लोगे सॉल्व करके, दोनों को आराम से सॉल्व कर लेना, लॉग एक्स इंटू ई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ई एक्स रख के निकाल लेना, ये 1/e आएगा शायद, है ना, लॉग एक्स अपॉन ई एक्स, चलो रख देता हूं मैं, लॉग एक्स अपॉन ई एक्स इक्वल्स टू ई एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा, लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/e स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1/e, तो एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या 1/e आएगा, है ना, तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट है, ये क्या आ जाएगा, 1/e,0, ठीक है, तो ये 1/e आ गया पॉइंट। और अब अपने को क्या करना है, बस वर्टिकल स्टेप लिए मैंने, तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 1/e से 1 कर लोगे सॉल्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लॉग एक्स अपॉन ई एक्स माइनस लोअर कर्व, कौन सा वाला है, ई एक्स लॉग एक्स डी एक्स, है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, क्या करना है बस आपको, यहां लॉग एक्स को टी पुट कर देना, तो 1/x dx dt बन जाएगा, और यहां पे इसको मान लेना फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेना सेकंड फंक्शन, सॉल्व कर देना, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, अब क्वेश्चन नंबर 11, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a सो दैट द डेफिनेट इंटीग्रल बेस अचीव स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, इस फंक्शन को आप क्या मान लो, एफ ए मान लेते हैं ना, लिमिट कहां से कहां तक है, ए से ए स्क्वायर, तो इसको क्या मान लो आप, एफ ए मान लो। अब क्या किया मैंने, इसका लिबनीज रूल लगा दो, इसमें आप लिबनीज रूल लगाओ तो क्या हो जाएगा, सीधे एफ डैश ए इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, तो यहां पे क्या आएगा, लिबनीज रूल क्या कहता है अपने से, पुट अपर लिमिट, अपर लिमिट रखो पहले आप इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि ए
इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2a माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1 अपॉन a प्लस रूट a और a का डेरिवेटिव 1। अब इसको आप सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करके क्या करना है आपको, बस f डैश a जो भी आएगा यहाँ पर है ना कर लेना सॉल्व। यहाँ से क्या होगा देखो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके है ना, यहाँ पे a आ गया a प्लस a स्क्वायर तो a तो कॉमन लेकर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा नीचे a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में a प्लस रूट a। तो यहाँ पे क्या करना है आपको पुट कर देना इक्वल टू, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है ठीक है ना। यहाँ से क्या कर लोगे इक्वल टू जीरो करके, या सिंपल अपन क्या कह सकते हैं कि एक काम करो ना सीधे सीधे वन अपॉन में क्या आ रहा था यहाँ पर a प्लस रूट a तो सीधे क्या करो f डैश a आ जाएगा। तो वहां पर चेक कर लेना है ना जिन पॉइंट किस पॉइंट पे मिनिमम बन रहा है या मैक्सिमम है ना। तो होगा क्या इस केस में जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से a इक्वल टू रूट टू माइनस वन, ये आएगी a की वैल्यू रूट टू माइनस वन और वहां पे क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम बन रहा होगा। तो मिनिमम दे रहा हो तो इसका मतलब क्या हो गया एफ डैश ए इस पॉइंट पे अपने को क्या देगा मिनिमम। इसका मतलब क्या हो गया यदि a की वैल्यू रूट टू माइनस वन होगी तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम जो की वैल्यू किसकी होती है 10 पाई बाई 8 की है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आउट ऑफ 21 टिकट्स मार्क्ड विद नंबर 1 टू 21 थ्री टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द, ठीक है अपने को कह रहा है कि अपने पास टोटल 21 नंबर्स हैं टिकट्स हैं, टिकट्स पे नंबर डाला हुआ है 1 से लेके 21 तक सारे नेचुरल नंबर्स है ना। तो अब कह रहा है कि बताओ इसमें से यदि मैं 3 टिकट निकालता हूं है ना रैंडमली 3 टिकट निकालता हूं तो उसमें से निकाली गई टिकटों में जो नंबर्स आए ना 3 टिकट्स पर वो किसमें हो ए पी में हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए जैसे मान लो यहां पे नंबर्स हैं 1 2 3 4 कहां तक 21 तक, तो मैंने ना 3 नंबर्स एपी में लेने हैं तो 3 नंबर एपी में कब होंगे देखो सोचो आप कोई भी 3 नंबर ले लोगे तो जरूरी नहीं है वो एपी में हो, बट मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने इसमें से कोई भी 2 इवन नंबर ले लिए कोई भी 2 इवन नंबर ले लिए तो उसके अलावा जो तीसरा नंबर लोगे आप वो पक्का किसमें होगा एपी में दे देगा उनको। जैसे मान लो एक ले लिया आपने 2 एक ले लिया 18 तो तीसरा नंबर क्या सेट कर लोगे आप 2 प्लस 18 20 20 अपॉन 2 10 तो आ गया तीसरा नंबर अपने आप एपी में। तो इसका मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो कि मैंने 2 नंबर सेट कर लिए कोई भी इवन नंबर में से तो तीसरा नंबर अपने आप उसकी जो सेलेक्ट करने का तरीका हो जाएगा उसकी तरीके कितने हो जाएंगे 1 क्योंकि उसको तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो है ना, मतलब कोई भी जो एक नंबर बचा होगा जो उनका क्या बन रहा होगा अर्थमेटिक मीन, या फिर ये कह लो कि जैसे आपने ले लिया 2 और 4 तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा वो फिक्स हो गया नंबर, जो थर्ड नंबर लेना है वो क्या हो गया फिक्स हो गया। तो उसके तरीके कितने हो गए चुनने के एक हो गया, बाकी इसको जो इवन नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं उनके तरीके कितने होंगे तो वो सुनो ध्यान से इसको हटाते हैं अपन। तो देखो ये बताओ इवन नंबर कितने हैं इसमें 10, ऑड नंबर्स कितने हैं यहाँ पर 11 यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कि अपने को क्या सिलेक्ट करना था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स आर इन एपी, ठीक है तो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए कितने हो जाएगी अपने बताओ। मैं क्या करूँ छोटा सा काम करूँ कोई भी जो 10 इवन नंबर है उसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लूँ बाकी थर्ड नंबर तो एक ही तरीके सेलेक्ट हो सकता है प्लस बचे हुए ऑड नंबर्स कितने 11 11 में से कोई 2 नंबर सेलेक्ट कर लूँ बाकी तीसरा नंबर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा अपॉन में टोटल टोटल आउटकम्स कितनी होंगी अपनी 21 नंबर्स हैं उनमें से 3 सेलेक्ट करने हैं। इसको आप सॉल्व कर लो आराम से है ना आंसर आ जाएगा आपका ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट नो टू ऑफ देम आर इक्वल एंड सेटिस्फाई दिस देन इक्वेशन दिस वन हैज, वही आ गया देखो सेम क्वेश्चन पहले वाला ही अभी थोड़ी देर पहले वाला ही है ना। क्या करना है अपने को इसमें वही बताना है ना किस इंटरवल में एक रूट लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है ना, दो रूट लाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना इसको पहले आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करके क्या आ जाएगा सॉल्व कर दूं मैं 2a क्या हो जाएगा bc माइनस 4a स्क्वायर माइनस b इंटू b स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c इंटू क्या हो जाएगा 2ab माइनस c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको सिंपलीफाई कर लेना तो यहां से क्या होगा कंडीशन निकल के आ जाएगी पहले की तरह जैसे एक कोई भी क्या होगा एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहां से जो फंक्शन आ रहा है चलो मैं इसको करता हूं थोड़ा सा और है ना देखो देखो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करो उसको क्या हो जाएगा ये 2abc और देखो माइनस का ये b into a 2abc और ये भी 2abc तो कितना हो गया टोटल 6abc आ गया। अब आ जाओ और आगे यहां क्या आएगा माइनस का 8ac क्यूब यहां क्या आएगा माइनस का b क्यूब यहां क्या आएगा माइनस का c क्यूब तो ये आ गया माइनस का 8a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब इक्वल टू क्या चल रहा है 0। तो देखो क्या ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा ही है 2a का होल क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में लिखा हुआ है 3 इंटू 2a इंटू बी इंटू सी। तो याद करो ये क्या है, एक आइडेंटिटी होती है कि जब तीन टर्म्स के क्यूब का सम क्या आ जाए, 3 टाइम्स ऑफ दीज टर्म्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, तो उसमें अपन क्या कहते हैं कि इन तीनों का इंडिविजुअल जो सम होगा ना वो जीरो होता है ना। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये इक्वल आ जाए 3abc के, दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी क्या रहा होगा, जीरो होगा, तभी वो टर्म क्या होगी बची हुई, जीरो। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल गई 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू जीरो। तो अपने को पिछले वाले क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी, इसमें कंडीशन हमने निकाली है अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो 2a प्लस b प्लस c इक्वल टू जीरो, अब वो कुछ नहीं करना, इसको fx मान लो, इसका इंटीग्रेशन करके क्या करोगे फिर दोबारा से वही, एक बार क्या क्या रखोगे इसमें, जीरो रख देना, वन वन बाई टू है ना, कर लोगे चेक, वही काम करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मड बाय द लाइंस दिस एंड दिस, ठीक है। तो देखो एक तो क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और एक सिंपल लाइन है, तो इसको पहले क्या कर लो, फैक्टराइज करके अलग अलग कर लो लाइंस को, तो क्या हो जाएगा 6 2 12 यानी कि 4 3 12, तो यहां से क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस 3xy माइनस का 6y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे फैक्टराइज करोगे तो क्या आ गया 2x प्लस 3y और दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, 3y कॉमन लिया है तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये आ रहा है देख लो 2x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा ठीक है ना, ठीक है आ गया है ना, ये आ जाएगा। तो अब ये एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। अब अपने को ये थ्री साइड्स दे रखी है किसकी, तो देखो एक ट्राइंगल की, तो एक तो क्या हो गया 0-0 हो गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, और बाकी ये दोनों निकाल लोगे आप आराम से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों निकाल लेना आराम से, एक चलो लिख लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और नीचे आ जाएगा x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो कुछ नहीं करना, इन तीनों सॉल्व करना है, तो ये तो 0-0 है, इन दोनों सॉल्व करके ये निकाल लेना और ये निकाल लेना। अब बस आपको क्या करना है, क्या होता है ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या हो गया 0-0 से पास करने वाला लाइन जिसका स्लोप कितना होगा, कौन देगा इसका स्लोप, इसका स्लोप मिल जाएगा मेरे को इससे, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली ना, जरूरत नहीं पॉइंट्स निकालने की आपको, ये एक तो निकालना पड़ेगा, एक तो निकाल लेना है ना। तो ये तो क्या हो गया, इसका स्लोप कितना रहा है माइनस वन, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा प्लस वन, ओरिजिन से पास कराना है स्लोप कितना रखना है प्लस वन, तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स, क्या लाइन आ गई वाई इक्वल टू एक्स, और इसी पर कौन लाई कर रहा होगा अपना ऑर्थो सेंटर। तो एक काम करें वाई इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करा दो आप, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बाय द वे है ना, अच्छा ये तो माइनस टू पॉइंट थ्री ठीक है, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, यानी कि इसके ये जो दोनों ऑप्शन है ना, ये दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक काम करना आप सिंप्लीफाई कर लेना, क्या कर लेना, ये पॉइंट और निकाल लेना, और इससे भी क्या कर देना परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल लेना, स्लोप मिल जाएगा इससे और ये पॉइंट निकाल लेना, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या दे देगा आपको ऑर्थो सेंटर, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ सर्किल दिस एंड दिस हैव टू कॉमन टेंजेंट्स देन, ये आपने किसमें पढ़ाया, कॉमन टेंजेंट से पढ़ाया कि क्या कंडीशन लगाते हैं अपन जब दो सर्किल क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या होता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रॉ होती है अपनी, टू। तो इसमें यही तो कह रहा है कि कंडीशन निकाल, लैम्डा की अपने को रेंज निकालनी है जिसके लिए क्या हो ये दो कॉमन टेंजेंट्स रखती हो, है ना, तो उसका मतलब क्या हो गया दोनों सर्किल क्या करने चाहिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए, ना तो टच करें और ना ही वो टच करेंगे तो कितने हो जाएंगे तीन, एक्सटर्नली टच करेंगे तो कितने हो जाएंगे कॉमन टेंजेंट्स थ्री, और अंदर से टच करेगा तो एक, तो इसका मतलब क्या हो गया इसके लिए कंडीशन आपने पढ़ी होगी, ये मान लिया सी1, ये मान लिया सी2, तो इसके लिए कंडीशन पढ़ी है सी1 सी2 जो है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे R1 माइनस R2 से, और लेस देन होना चाहिए किससे R1 प्लस R2 से, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन लगा देना आपका हो जाएगा, थोड़ा सा और लिखता हूँ मैं R1 प्लस R2, तो देखो इसका तो क्या हो गया सेंटर हो गया 0-0 और रेडियस हो गया 2, इसमें आ जाओ सेंटर हो गया इसका क्या, ये सेंटर है ना C1 R1 C2, C2 क्या हो गया इसका 2 लैम्डा कॉमन 0, सही है ना, x माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर बन जाएगा ना इसलिए, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया उसका 0 हो गया सेंटर का, और रेडियस कितना हो जाएगा R2, देखो 9 पहले से है 2 लैम्डा का स्क्वायर यानी कि 4 लैम्डा स्क्वायर वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 इसका क्या हो गया अंडर रूट, तो ये हो गया R1 R2। इसको क्या करना है क्वेश्चन पुट करना है वहां से अपना रेंज निकालनी है, डबल इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना फिर इसको सॉल्व करना और दोनों का क्या ले लेना आप इंटरसेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनी स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू,
ठीक है, तो कर लेते हैं चेक। अच्छा अब आपको पता ही है इसमें डिमोर्गन लॉ, या फिर देखो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, तो नेगेशन का साइन है तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड बन गया क्यू। सही एकदम ट्रू है, अपने क्या बताना है फॉल्स कौन साइन में से, ठीक है ना। तो अच्छा ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अच्छा इसमें ये गलत है, तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन, है ना इसका ऑप्शन ये गलत है, तो ये आंसर अपना सही है। ये आंसर ऑप्शन गलत है तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना आंसर ये वाला हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, है ना। कॉन्ट्रडिक्शन तो आपको पता ही है कि हमेशा क्या है फॉल्स है, और ये क्या है हमेशा ट्रू है, तो देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स दिस इंक्लूडेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द कर्व, ठीक है। तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट निकालना है, मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है ना, मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है समीकरण का, किसका स्पर्श रेखा के। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो क्या हो गया, एलिप्स अपने को दे रहा है और इस एलिप्स पे क्या रहा है एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करी, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या कर रही है वो निर्देशी अक्षों को, इसका मतलब क्या हो गया जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको कट कर रही है ना, तो उनके जो मध्य भाग होगा उसके जो इन बिटवीन पोर्शन है ना उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है अपने को। तो क्या करो आप, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो, आपको पता है इसमें अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 कॉस थीटा, रख दूं मैं सीधे 4 कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 4x कॉस थीटा अपॉन 16 प्लस 3y साइन थीटा अपॉन 9 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 4 तो कैंसिल आउट हो गया 16 से और 3 9 से, 3 3 जा 9, ये 9 है ना। तो क्या बचा यहाँ से, x कॉस थीटा अपॉन 4 प्लस y साइन थीटा अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक काम करो इसमें x की वैल्यू 0 करो, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3 cosec थीटा मिल गई, और x को 0 करने पर, ठीक है, अब y को 0 कर दो, तो y को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 sec थीटा, 4 sec थीटा किसकी वैल्यू मिली है x की, ठीक है, तो x में मिल गया और y में मिल गया। अब एक काम करो छोटा सा, क्या काम करो देखो ऐसे हो गया है ना, ठीक है। अब देखो छोटी सी बात सुनो मेरी, मान लो ये पॉइंट आ गया x कोऑर्डिनेट और ये आ गया y कोऑर्डिनेट, अब इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो उसको तो मान लो क्या तुम h कॉमा k मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा h कॉमा k क्या हो जाएगा, h हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं इसका मतलब 3 cosec थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया k, है ना, 0 प्लस, मतलब ये तो कौन सा है अपना 0 कॉमा 3 cosec थीटा, और नीचे वाला क्या होगा 4 sec थीटा कॉमा 0, तो क्या हो गया मिड पॉइंट आ गया ना, तो 4 sec थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा बताओ, h हो जाएगा। तो यहां से इसको साइन में इसको कॉस में कन्वर्ट करके स्क्वायर करके ऐड कर देना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, h और k में इक्वेशन आ जाएगी, इसमें निकल गया ना, तो कर लोगे आराम से, है ना, इसका शायद फर्स्ट ऑप्शन आएगा, देख लेना चेक कर लेना जो भी है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, देखो मोड ऑफ जेड प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, रेंज निकालनी है अपने को, है ना, रेंज निकालनी है किसके लिए, इसके लिए। तो अपन क्या करेंगे ना, एस के लिए आपको आपको याद होगा इनइक्वलिटी है ना, तो मॉडुलस इनइक्वलिटी भी होती थी अपने पास, कि मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू जो होता है ना वो क्या होता है लेस देन इक्वल टू किसके रहता है बताओ, मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू, सही बात है, दो क्वांटिटी के अलग अलग मॉडल्स लेके आप ऐड करोगे तो वो चीज या तो उससे बड़ी होगी या उसके इक्वल हो सकती है। दूसरी बात, ये ग्रेटर देन होगा किससे, मोड जेड वन माइनस मोड जेड टू के, ठीक है ना, तो इसमें आप जेड वन की वैल्यू ले लो क्या जेड प्लस 4 और जेड टू ले लो आप इसमें, इसको दे लिया तो माइनस 3, ठीक है, तो कर लो इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा देखो जेड वन जेड प्लस 4 और जेड 3 माइनस 3, तो अंदर तो क्या बचेगा जेड प्लस 1 बच गया, यहां आ जाओ यहां रखो तो जेड प्लस 4 माइनस जेड टू कितना है माइनस 3, तो माइनस 3 का मोड तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोबारा से, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू यहां पर जेड वन क्या हो गया जेड प्लस 4 और यहां पर क्या हो गया माइनस 3 का मोड। तो अब देखो कुल मिला के क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये तो 3 हो गया, जेड प्लस 4 की ना अपने को देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी 3, तो कितना हो गया 3 और ये कितना है माइनस 3, तो ये तो आ गया 0, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है मोड जेड प्लस 1 की मिनी वैल्यू 0 हो गई, और यहां रखो 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 0 और 6 हो गए, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आएगी और मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
19 इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस 146 एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। ठीक है, तो कोई भी जो समतल, हमें समतल की समीकरण ज्ञात करनी है जो इस बिंदु से होकर गुजरता है और इस वाले प्लेन के क्या है, समतल है। ठीक है, इसके समांतर है ना, इसके समांतर है। तो देखो ये जो इसमें एन वेक्टर अपने को दे रखा है, अपने को वो तो मिल जाएगी डायरेक्शन और इससे पास कराना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या करोगे आप, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का काम कौन करेगा, ये काम करेगा 146 यानी कि आई प्लस 4j प्लस 6k, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, सॉरी आर डॉट एन, एन क्या आ जाएगा इसमें अपना एन 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 एन, ये रहा आई प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो सॉल्व कर लो उसको, तो आर डॉट ये तो आई गया सेम, ये तो सेम आ जाएगा इक्वल टू में इसका, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 माइनस कितना 18, तो 1 प्लस 8 माइनस 18 तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 माइनस 18 तो प्लस का 18 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया 18 माइनस 9, माइनस का 9 हो जाएगा, माना करें ना माइनस का 9 आ जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो गया आर वेक्टर इनटू ये आ गया। तो उसका आंसर देख लेना एक बार है ना, 1 और 8 माइनस का 18 तो माइनस का 9 प्लस का 9 बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। तो कौन कोई ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, और चलो नेक्स्ट, द वेरिएबल प्लेन पासिस थ्रू दिस। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, अपने को प्लेन दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है ऑलवेज पासिस थ्रू द लाइन, किस लाइन से पास करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो अपने क्या करो, सीधे सीधे आप रख के चेक कर लो, है ना। तो देखो इसमें जब जिस पॉइंट से पास कर रहा है, क्या है वो 0 0 -4, तो 0 0 -4 रख के देख लो इसमें, 0 0 -4 0 0 -4 ना 0 0 8, एक काम करो है ना, आप क्या करो उस पॉइंट को रख के देख लो किस पॉइंट से पास कर रहा है ना। चलो तो 0 0 4 को रखते हो, देखो 0 0 4 को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ये वाला आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है 0 0 4 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। आप चेक कर सकते हो, रख के चेक कर लो डायरेक्ट, है ना, सीधे क्वेश्चन नंबर। अच्छा अब अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है सेक्शन डी, इसमें अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन करने को। ठीक है चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 20 देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस। अपने क्या करना है, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, चार बार है अपने पास, है ना। तो एफ ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन करना है फंक्शन का, तो क्या करोगे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या पैर से, एक्स प्लस 5 का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया मैंने, माइनस 20 माइनस 5 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब अपने को एफ ऑफ एफ एक्स निकालू मैं एक बार जरा, तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इस फंक्शन को रखना है इसी के अंदर, कहां पर, एक्स की जगह पर। तो यहां पर रखूंगा मैं एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5, तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5, तो इस 5 से प्लस 5 रह गया, इस 5 5 से पड़ गया है ना, माइनस 5 रखा और ये 5 पहले से था यहां पर, तो 5 से 5 पड़ गया, क्या आ गया, एक्स प्लस 5 का पावर 4 माइनस 5, ठीक है ना, माइनस 5। तो अब एक बार बताओ छोटी सी मेरे को, जब मैंने एफ ऑफ एफ एक्स निकाला तो पावर 4 हो गई, तो इसका मतलब मैं एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स निकालूंगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, 2 4 8 16 हो जाएगी, माइनस 5, ठीक है माइनस 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रूट्स निकालूंगा, तो देखो ध्यान से देखो, हो क्या रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी पावर क्या है 16 है, इवन पावर है और माइनस 5 हो रहा है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, कहाँ पर, माइनस 5 पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ दो ही जगह 0 हो रहा है, कहाँ कहाँ पर, एक तो माइनस 10 पर और एक 0 पर, तो इसके दो ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, x = 0 और माइनस 10, जहां पर इसकी वैल्यू fx क्या हो जाएगा, f ऑफ fx क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रहा था वो, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस। तो एक काम करें, छोटा सा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकाल लेना अपने को, तो देखो ये जो वैल्यू है ये क्या किसमें है, रूट के अंदर है ना, तो आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, -5/2 से +5/2 के बीच में होता है ना, -5/2 से +5/2 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर कैसी वैल्यू आएगी, हमेशा कोई भी वैल्यू आए इसका जो आउटपुट आएगा रूट का वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अपने को जो इसमें इनपुट है tan इनवर्स के अंदर वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 से π/2 आएगी, 0 से π/2 आएगी। और यहाँ पे जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, देखो cos इनवर्स का ग्राफ आपको पता है क्या होता है ना, तो cos इनवर्स के जो इनपुट है वो क्या हो सकता है, -1 से +1,
तो लेकिन ये रूट के अंदर है, ये भी रूट से बाहर क्या देगा, सिर्फ पॉजिटिव, तो इसकी भी क्या होगी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जीरो से इसकी आउटपुट क्या होगी माइनस वन से वन, तो इसकी भी क्या होगी आउटपुट आएगी जीरो से वन, तो इसका मतलब क्या हो गया ये वैल्यू देगा अपने को जीरो से वन, तो इसकी आउटपुट क्या आने वाली है, इसकी आउटपुट आने वाली है अपनी जीरो से पाई, इसका मतलब क्या हो गया जीरो से पाई बाई टू आएगी सिर्फ, इसकी रेंज क्या आएगी जीरो से पाई बाई टू, ठीक है ना, इसकी रेंज क्या आने वाली है अपनी जीरो से पाई बाई टू आएगी, और इसकी रेंज क्या आएगी जीरो से पाई बाई टू, तो इसकी रेंज आ रही है जीरो से पाई बाई टू, इसकी रेंज आ रही है जीरो से पाई, तो जीरो से पाई बाई टू, तो दोनों को ऐड भी करोगे आप तो रेंज मैक्सिमम कहां से आ सकती है जीरो से पाई ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को ये जो पाई है वो कभी मिलना ही नहीं है ना, तो अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं डायरेक्ट सोच के, ये ना कि रूट के अंदर की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो ये आउटपुट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव आएगा, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी रेंज क्या होगी जीरो से पाई बाई टू, इसकी रेंज क्या होगी जीरो से पाई बाई टू, तो दोनों को ऐड भी करवाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए, पाई चाहिए अपने को, और मैक्सिमम वैल्यू मिल के आ रही है अपने को पाई से छोटी, है ना, पाई से जस्ट छोटी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट हैज नो सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा जीरो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड चलते हैं नेक्स्ट, देखो अपन क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं ना, क्वेश्चन थ्री में क्या कह रहा है ये, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन में लॉग एक्स ये आ रहा है, ठीक है, तो देखो लॉग वन, तो x इक्वल टू वन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं एफ एक्स को ब्रेक कर लेते हैं, कहां कहां पर ब्रेक कर लेते हैं, तो अलग अलग सॉल्व कर लो, एक काम करो या तो ना अलग अलग सॉल्व कर लो, किसको पहले अपन ले लेते हैं ln x, इस वाले फंक्शन मान लिया gx, है ना, क्या मान लेते हैं gx, तो क्या हो जाएगा ये gx इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, x की वैल्यू जब 1 होगी तो log 1 की वैल्यू तो क्या हो गई 0, तो सीधे सीधे क्या आ गया ये x आ गया। अब दूसरा पार्ट ले लो आप, 1 से लेकर कहां तक e तक, तो 1 से e में, 1 से e में इसकी वैल्यू क्या रही होगी चेक करो, 1 से e में वैल्यू क्या रही होगी इसकी, तो देखो log ln e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो जब e से छोटी वैल्यू रखूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा 1 से छोटी वैल्यू पे ln क्या होगा 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटे नंबर को आप जब इनफिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहां पे भी क्या आएगा सिर्फ x ही आ जाएगा सीधे सीधे। अगला नेक्स्ट क्या हो जाएगा x = e पे ले लो, e पर क्या होगा ये सारे 1 1 1 हो जाएंगे, तब भी क्या आएगा वो x x आएगा, ये भी क्या आएगा x आएगा ये भी। अब नेक्स्ट x इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन e बट लेस देन 3, तो e से 3 में क्या होगा ये वैल्यू काफी बड़ी रही होगी, क्या रही होगी बताओ सोच के, जब e की वैल्यू x की वैल्यू e से बड़ी रही होगी 3 से छोटी, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू को क्या इनफिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगी काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और नीचे वैल्यू काफी बड़ी है इनफिनिट को अप्रोच कर रही होगी, तो क्या होगा डिवाइड होगा ना 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया ये आ गया अपना ये। तो एक काम करते हैं, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं अपन, जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया यहां से, अपन ने जी एक्स के लिए लिखा था ना ये एफ एक्स था ये, है ना, तो मैंने एफ एक्स के लिए लिख लिया सीधे, तो देखो एफ एक्स के लिए लिखा है, तो इसको इस काम करो x इक्वल टू वन के लिए तो क्या हो गया ये 0, ठीक है, और 1 से e के बीच में भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू जब e लगा तो यहाँ 1 था, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, तो ये क्या आएगा x बाई 2 आएगा ना, क्या आएगा x बाई 2 आएगा, है ना, तो क्या हो गया ये 0, तो एक काम करो इसको प्यार से एक बार लिख लो, क्या लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू आ रहा है आपके सामने x, जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन e है, और x इक्वल टू e पर कितना आ रहा है ये x बाई 2, और x greater than e but less than 3 पर कितना देगा आपको 0, ठीक है, तो कुल मिला के ही आ रहा है फंक्शन। तो अब क्या करना है अपने को, उसमें कहां पर डिफरेंशियल नहीं है चेक कर लो, f dash x कितना देगा बताओ 1, यहां पर f dash x कितना आ रहा है 1/2, तो इसका मतलब e पर क्या है फंक्शन अपना डिफरेंशियबल नहीं है। LHD क्या आ रहा है इसका, LHD आ रहा है 1, और RHD कितना आ रहा है 1/2, तो कुल मिला के फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है सर, अपन सिंपल सा क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x = e, और x = e वो डिफरेंशियबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि e का स्क्वायर निकालेंगे अपन, तो gif ऑफ e का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपना 2.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर 729 7 पॉइंट समथिंग, और 7 पॉइंट समथिंग का gif कितना आएगा 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 07, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द मीन एंड वेरियंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले क्या है देखो, मीन एक तो अपने को मीन दे रखा है इसमें, मीन क्या होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, तो ये कितना, चलो आगे चलते हैं, पहले वेरियंस लिख लेते हैं, वेरियंस क्या होता है अपना सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन, ठीक है,
तो देखो क्या हो जाएगा सी सीधे, ये तो अपने को क्या दिखाया अपने को, ये दिखाया अपने को मीन 5, ठीक है। और बताओ ये अपने को कितना दिखा है यहाँ पर, वेरियंस 0, तो ये 0 इक्वल टू ये कितना हो गया, ये 5 दिखा है। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर भी दिखा है कितना, 400 अपॉन में क्या है एन, एन निकालोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो अच्छा एक्स का स्क्वायर होता है ना, एक्स का स्क्वायर होता है ना, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया एन की वैल्यू आ गई अपनी सीधे सीधे 16 आ गई, एन की वैल्यू कितनी 16 आ गई ना, फॉर्मूले आप याद कर लो कौन से वाले, वेरियंस के और मीन के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरेलल पाइप द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 4 डायगोनल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कोटर्मिनल साइजेस, तो कुछ नहीं है पैरेलल पाइप टाइप ना है ना, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ना, ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये भी पॉइंट्स मान लिए, तो ये ओ को मान लिया है ना 0 वेक्टर, और इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, है ना, ए ए इसको बी नहीं मानो, है ना, इसको क्या मान लो बताओ, है ना, एक काम करो चलो दोबारा से मान लो पूरे, है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा देखो समझो, कोशिश करो समझने क्या कह रहा है, ये ओ, ये ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, तो देखो इसको मान लिया मैंने ए वेक्टर, इसको मान लिया मैंने बी वेक्टर, और इसको हाइट को मान लिया मैंने सी वेक्टर, ठीक है। तो देखो क्या क्या निकल के आ रहे हैं अपने पास, अपने कह रहा है जो इसके 4 डायगोनल्स है ना, 4 डायगोनल जो चारों विकर्ण हैं, तो चारों विकर्ण कौन कौन से होंगे, ओ एफ और ई बी, फिर होगा ए डी और जी जी सी, है ना, क्या होगा जी सी, तो एक काम करो अपने को इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले ना, क्या क्या आए होंगे, देखो एफ क्या आ जाएगा, सबसे पहले बी निकालो, बी आसान है ना, ये क्या हो गया ए, ये क्या है बी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो गया। अब डी निकाल लो, डी क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है सी और ये क्या है बी, तो ये क्या हो गया बी प्लस सी, जी चाहिए तो क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, यानी कि ए प्लस सी, ए प्लस सी हो गया। और चलो आगे एफ क्या आ जाएगा, चलो एफ से पहले एक और कोई ले रहा है, हो गए सारे, चलो अब ये ले लो एफ, तो एफ क्या होगा, देखो बॉडी डायगोनल ले रहे हैं ना, ये कहाँ आ रहा है स्पेस में आ रहा है, तो क्या होगा पहले इन दोनों का, तो ये क्या आ गया ए प्लस बी, तो ये आ गया ए प्लस बी, और फिर ये कौन सी, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब वो कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना छोटा सा, खुद से करना है, क्या करना, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर हो गया, अब बी ई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी सी का स्क्वायर, और लास्ट क्या हो जाएगा अपना ए डी का स्क्वायर, ठीक है, बस निपटा दो इसको, और इक्वल टू क्या कर देना है आपको, सम ऑफ कोटर्मिनस एजेस, इसका मतलब जो एक बिंदु से निकल रहा है, यानी कि ए बी और ये सी, यानी क्या हो गया ए, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोटर्मिनस एजेस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, काम कर लोगे ये वाला, कुछ नहीं करना, बस सिंपलीफाई करना है, ओ एफ ऐसे ओ एफ, ओ एफ तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपना बी ई, बी ई, बी ई का अपना बी और ये ई, बी ई क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। आ जाओ जी सी, जी सी क्या हो जाएगा जी और ये सी, जी सी क्या हो जाएगा अपना ए प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में ये बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या होगा, यहां पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वेक्टर में, सारे है ना, प्लस यहां पे क्या आएगा, एक में तो आएगा, एक में आएगा ए प्लस बी माइनस सी, एक में आएगा बी प्लस सी माइनस ए, सब पे वेक्टर है ना, प्लस यहां पे आ जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, और इन सबका स्क्वायर का जो समय है ना वो अपने क्या है, ये लेके ये आएगा ना, तो इसका जो रेशियो है, फिर ये जो आएगा यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में तुम करोगे सॉल्व तो ये यही बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, तो उसको आप सिंपलीफाई आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, तो 4 टाइम्स आ जाएगा क्या, 4 टाइम्स आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी जो 2ab 2bc वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वल टू में क्या है अपने पास, साइड्स का रेशियो है ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। तो कर सकते हो आराम से, रेशियो निकालना है अपने को, है ना। तो क्या आ जाएगा, रेशियो निकालना है आराम से, कर लोगे, है ना। ठीक है, सम ऑफ है, ठीक है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फोर डायगोनल्स, चारों का स्क्वायर का सम कर लिया, इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कोटर्मिनल साइजेस। तो कोटर्मिनल साइजेस क्या थी अपनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको नीचे लेके जाना है, बस इसको नीचे लेके जाना है। तो इसको जब नीचे लेके जाओगे तो रेशियो क्या नजर आ रहा है आपको, फोर अपॉन में वन आ जाएगा, है ना। ले जाओगे ना इसको, ये नीचे एक टर्म क्या है कि ये रेशियो निकालना है ना अपने को। तो ये मैंने इसको इक्वल टू मत लिखो आप, है ना, ये तो क्या हो गया एजेस, ये तो एजेस है और ये क्या है डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स। तो डायगोनल को डिवाइड करना है किसे, इससे। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा कुल मिलाकर, है ना, रेशियो ले लेता हूँ, है ना, रेशियो डिवाइड बाई दिस। तो क्या आ जाएगा रेशियो, फोर इज टू वन। तो क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, है ना। तो क्या आंसर आएगा, जीरो पॉइंट फोर, जीरो फोर, है ना। ठीक है, चलो, तो इसका सोल्यूशन हो गया आपका, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।